अस्सलाम, मेरा नाम शांदाना खान है। मैं आरएसपी नेटवर्क, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क की हेड हूँ और हम इस्लामाबाद में बेस्ड हैं। आरएसपी नेटवर्क या आरएसपीएन जो है, उस इसमें 9 रूरल सपोर्ट प्रोग्राम हैं जो उसके इसके मेंबर हैं, और ये पाकिस्तान के दही इलाकों में काम करते हैं। इस वक्त 149 जिलों में आरएसपीस काम कर रही हैं, ये 9 आरएसपीस। और इनका तरीकेकार ये है कि गांव में बिल्कुल घर के लेवल पे, गांव के लेवल पे लोगों तक पैगाम पहुंचाना कि अगर प्रोग्राम के साथ काम करना है तो पहले वो अपनी तंजीम बनाए जिसमें हर घर से, खासतौर जो गरीब घराने हैं, हर घर से एक फर्द उस तंजीम में शामिल होता है या होती है, जो मेंबर बनते हैं। तो कुछ 5,19,100 इस वक्त तंजीमें हैं जिसमें खवातीन की जो तंजीमों की तादाद है वो कुछ 52% है, तो काफी ज्यादा खवातीन की तंजीमें हैं। तो मैं थोड़ा पैनल को इंट्रोड्यूस करती हूँ और फिर मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर परवेज ताहिर साहब को, जो चेयर करते हैं पैनल को, कि वो इसको टेक ओवर करें। सबसे पहले तो एसडीपीआई को बहुत शुक्रिया, हम शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं पैनल के बिहाफ पे, फिर उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि जो आरएसपीज ने काम किया है दही इलाकों में, और जो दही इलाकों में तंजीमों ने और दही कारकुनों ने काम किया है कोविड के खिलाफ इस बहुत मुश्किल हालात में, कि वो हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। ये बड़ा एक अनयूजुअल, एक मुख्तलिफ किस्म का है, क्योंकि ज्यादातर जो बातें बातें हो रही है वो पॉलिसी लेवल पे हो रही है, और हम प्रैक्टिकल लेवल पे, और वो भी रूरल या दही इलाकों की हम जो एक्सपीरियंस है हमारा, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो एसटीपीआई का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर मोहसिन है एसटीपीआई से, मोहसिन काजमी जो पैनल ऑर्गेनाइजर हैं, और उरूब और सुंदस भी हैं जो रिपोर्टर्स हैं जो इस पर रिपोर्ट लिखेंगी। पैनल को चेयर कर रहे हैं डॉक्टर परवेज ताहिर। डॉक्टर परवेज ताहिर जो है वो साबिका चीफ इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के, और इस वक्त वो आरएसपीएन के बोर्ड पे भी हैं। डॉक्टर राशिद बाजवा हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव है नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के, जो सबसे बड़ा आरएसपी है और आरएसपीएन का मेंबर है। नादिर गुल बड़ेज साहब हैं जो बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। हमने खास तौर इनको बुलाया है क्योंकि काफी इंटरेस्ट भी है कि बलूचिस्तान में कोविड के खिलाफ दही इलाकों में काम कैसे जा रहा है, और मेरा ख्याल है जरूरी है कि बलूचिस्तान का जो एक्सपीरियंस है वो हम सामने लाएं। असदुल्ला फैज साहब ने आना था हुकूमत की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने इस वक्त ज्वाइन नहीं किया है, मगर हम शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और फिर हमारे साथ हैं शबाना इफ्तिखार साहिबा, जो एनआरएसपी के साथ उनकी जो खवातीन की तंजीम है जो रूरल इस्लामाबाद में है आईसीटी में, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। आरएसपीएन की कलेबरेशन थी और एनआरएसपी की एनसीओसी के साथ, और एनसीओसी के साथ हमने कुछ 1500 यूनियन काउंसिल्स में आरएसपीज ने काम किया। और ये काम ये था कि जो भी कारकुन है या एक्टिविस्ट है, जैसे शबाना बीबी हैं, उनको वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने ट्रेन किया, जैसे इनको आईसीटी के डिपार्टमेंट ने ट्रेन किया कि कोविड के बारे में अवेयरनेस या आगाही फैलाएं, और अगर किसी को सिम्टम्स हैं या कुछ है तो उसके बारे में वो एडवाइस करें। तो शबाना साहिबा को 4 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक सर्टिफिकेट भी दिया है कि क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो शबाना साहिबा भी हमारे पैनल पे है। तो अब मैं गुजारिश करती हूँ डॉक्टर परवेज ताहिर साहब से कि हम पैनल डिस्कशन शुरू करें। पैनल में एक तो एक्सपीरियंस बताएंगे जो हमारे दोस्त यहाँ पे है, और दूसरा ये है कि हम समझ रहे थे कि जो पैनल के जो अहम सवाल हैं वो क्या है। एक तो ये है कि इस एक्सपीरियंस में चैलेंजेस क्या थी और इसमें खूबियां क्या थी, कौन से मुश्किल आए और कौन सी खूबियां थी। और दूसरा सवाल ये है कि चूंकि आरएसपीस को ज्यादातर गवर्नमेंट ने बनाया है, जैसे एनआरएसपी है, बीआरएसपी को सपोर्ट किया, सरहद में किया है, पंजाब में किया है, सिंध में किया है, तो जब भी डिजास्टर आता है तो कोई रेगुलर सिस्टम राबता होना चाहिए जिसके तहत हुकूमत
अप्रोच करें आरएसपीज को और तंजीमों को कि ये डिजास्टर के हवाले से भी काम करें, और वैसे भी जो सर्विसेज है जैसे सेहत की सर्विसेज है, तालीम की सर्विसेज है, वो इनके थ्रू करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है आरएसपीज के लिए कि हम प्रोजेक्ट्स के तहत तंजीमें तो बन जाती हैं और लोग बाशऊर हो जाते हैं और वो अपनी तंजीमें चलाते हैं, मगर जो चैलेंज ये है कि हम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ जो रबते हैं उनको हम एक मुसलसल उनका रबता हो तंजीमों के साथ, तंजीमों और हुकूमत के बीच, और इसको फॉर्मलाइज करना जो है ये हमेशा एक चैलेंज रहा है। तो दूसरा सवाल ये है कि इस पे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर परवेज ताहिर साहब से कि वो अब जरा पैनल को शुरू कर दें। थैंक यू। शुक्रिया शंगाना, आपने तफसील से बता दिया कि एक जो एमरजेंसी आई हुई है उसमें आपने रूरल कम्युनिटीज को कैसे इन्वॉल्व किया। मैं शुरू में ये कहना चाहता हूँ कि इस एक्सपीरियंस से जो सबसे अहम बात पता चली है कि अभी भी खुद हुकूमत के पास रूरल कम्युनिटीज तक पहुंचने का मैकेनिज्म इमरजेंसी में भी नहीं है। कोई नॉर्मल हालात में को लगता है ही नहीं। तो ये आजकल जो एक बहुत अर्बन डेवलपमेंट का एक फैशन भी चला हुआ है, शोर भी चला हुआ है कि जॉब्स वहाँ होंगे, इकोनॉमी उसी से आगे चलेगी, हम ये भूल रहे हैं कि रूरल कम्युनिटीज इज दी मोस्ट सस्टेनेबल एस्पेक्ट ऑफ आवर इकॉनमी। इसको आगे लेके नहीं चलेंगे तो इकॉनमी में एक बहुत बड़ा खला रह जाएगा जिसको पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। और ये रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स मौजूद हैं, सरकार की मदद से बने हुए हैं। इनको कोई ऐसा मैकेनिज्म बना के जिससे ये ना हो कि अभी कुछ हो गया है तो अब भागे भागे इनके पास जाएं, इस तरह का तरीका नहीं होना चाहिए। कोई पॉलिसी, कोई डायरेक्शन इस तरफ भी सोचना चाहिए। मैं सबसे पहले शबाना से ही कहूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंस हमें बताएं कि उन्होंने कैसे ये सब काम किया। शबाना थैंक यू सर। आउज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शबाना अख्तियार है। मेरी तंजीम का नाम कलिया वन है, हवेली वन है। वीओ का नाम कलिया है, LSOCHRA। मैं सबसे पहले आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आवाज आ रही है आपको सबको? जी, मेरी यहाँ तो आवाज आपको बिल्कुल आ रही है सबको। जी आ रही है आवाज आपकी, आप बोलते जाएं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में किस तरह आई ना। मेरे गांव के बड़े हैं फरजान साहब, तकरीबन 95-96 की बात है। वो गांव में काम करते थे, उन्होंने गांव में तंजीम साजी की हुई थी खातीन की और मर्दों की। इससे पहले तो हमारे गांव में ये रिवाज था ना कि खवातीन और मर्द जो है इकट्ठे बैठ के कोई काम नहीं कर सकते थे, किसी जगह पे इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे, नहीं अच्छा लगता था लोगों को। लेकिन तंजीम साजी के बाद जब मैंने देखा कि मर्द और खवातीन सब इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हैं, अपने मसाइल बयान कर रहे हैं, अब तो उनका हल भी हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगता था। मैं छोटी थी उस टाइम बहुत। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी भी उसी गाँव में हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड की इजाजत से मैंने भी कम्युनिटी के लिए काम करना पसंद किया। मैंने कहा मैं भी इस चीज में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने सबसे पहले अपनी तंजीम साजी की, जिसके मैं सबसे पहले हवेली वन में मैंने तंजीम बनाई, उसकी मैं खुद मेंबर बनी, उसकी मैं सदर मुंतखब हुई। और हम लोग हफ्ते में एक दफा ना सीओ की मीटिंग रखते थे, हम लोग बैठते थे, अपने मसाइल हल बयान करते थे, एक दूसरे को बताते थे। तो हमने इस दौरान जो है एक दूसरे को जब मसाइल बताते थे अपने, तो इसमें हमने एक CIF का भी प्रोग्राम शुरू किया, कर्ज हस्ताना का, जिसमें खवातीन जो है अपना छोटा मोटा कारोबार चला सकती हैं। इसमें कुछ खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने घर पे ही पार्लर छोटा मोटा खोला है अपना, खाना
काम चला रही है, किसी ने अपनी दुकान रख ली है, किसी ने सिलाई मशीन ले ली, किसी ने छोटा जानवर ले लिया रख लिया, उसी पे अपना काम चल रही है। हम सी आई एफ के हाले से भी काम कर रहे हैं गाँव में। तो इसी दौरान हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया वॉइस का। तो हमारे गांव में कम्युनिटी में जो है वो ये एक मसला होता है कि हम एक ही जगह से पीने का पानी ले रहे होते हैं, काफी सारे घराने जैसे एक कुआं है उसी से हम पीने का पानी ले रहे होते हैं, या किसी जगह पे बोर हुआ हुआ है उसी से हम लोग पानी पीते हैं, 10-12 घराने 15 पीने का पानी। लेकिन हमारे लिए मसाइल ये थे कि हम पानी को टेस्ट नहीं करवा सकते थे, हम पी तो रहे थे, किसी को पेट की तकलीफ है, किसी को यरकान हो गया, बहुत सारी बीमारियां थी लोगों को, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि किस वजह से है। तो जब इसका वॉइस का प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमने पानी की टेस्ट करवाए, जिससे हमने रिसोर्स जो है वो सबसे पहले हमने रिसोर्स का देखा कि हमारे पास कुएं कितने हैं, बोर कितने हैं, हमने उसकी लिस्टें तैयार की हैं। उसके बाद हमने टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाने के बाद जब हमें पता चला कि जो पानी पीने के काबिल है वो हम लोगों ने उस पर लेबलिंग करवा दी, जो पीने के काबिल नहीं थे उस पर भी हमने लेबलिंग करवा दी, जो पीने के काबिल हो सकते थे क्लोरीन की गोलियां वगैरह डाल के, या हम जो है वो उसको उबाल के पी सकते थे, या हम कोई और जरिया इस्तेमाल करके हम पीने के काबिल उसको बना सकते थे, वो हमने लोगों को बताया। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गाँव में 1200 घराने जिस जो बिल्कुल अब साफ पानी पी रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला था इम्यूनाइजेशन का, बच्चों को फास्ती टीका जांच जो लगा रहे थे वो उन लोगों को स्पेशल BHU जाना पड़ता था बच्चों को टीके लगाने के लिए। तो उसके लिए कभी मौसम खराब हो गया, कभी गाड़ी नहीं मिली, कुछ इस तरह के मसाइल होते थे लोगों के साथ, लोग नहीं जा रहे थे, लोग यही कह देते थे कि बस हम टीका ही नहीं लगवाते, छोड़िए हमें जाना क्यों पड़ता है स्पेशल। उसके लिए हमने ये किया कि BHU वालों से रब्ता किया, हमने VO की सतह पे गाँव में एक जगह बना दी जिसमें बच्चों को EPI कैंप लगा के दिए जाते हैं हर माह में, और बच्चों को फास्ती टीके जो है गाँव में ही लगाते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा सैनिटेशन का प्रोग्राम था, जो सैनिटेशन में ये था कि गाँव में जो चूंकि मैंने बताया कि हमारा गाँव गुंजान आबाद है, 1200 घराने हैं उसमें, तो गाँव में स्पेशली तो कोई जगह नहीं थी ऐसी जहाँ पे हम लोग अपने गाँव का कूड़ा करकट वगैरह जो है वो किसी जगह पे फेंक लें। इसमें ये था कि लोग छुप छुपा के 3-4 जो प्लाट थे उधर ही फेंक देते थे। एक तो बिल्कुल मेरे घर के साथ जुड़ा हुआ था, इसमें जंगली बूटी उगाती थी, गंद भी था, सांस की तकलीफ होती थी, वहां से हमारा मस्जिद का रास्ता जाता है, नमाजी भी गुजरते थे, हमें बहुत सारे मसाइल थे उसके। तो हम लोगों ने सबसे पहले कूड़ा कमेटी बनाई जिसमें हमने जो है गांव की सतह पे भी हम लोगों ने जाके लोगों को बताया अवेयरनेस दी कूड़े के हवाले से, फैलने वाली बीमारियों के हवाले से। उसमें हमने हम 1200 घरानों पे 3 खवातीन काम कर रही हैं, हमने घराने डिवाइड किए हुए हैं। तो हमने जो है वो 15-15 घरानों पे डस्टबिन इंस्टॉल करवा दिए जिसमें हमारा कूड़े वाला जो लगा हुआ है वो रोजाना की बुनियाद पे अगर आए तो वो चार्जेस ज्यादा लेता है, वो एक दिन छोड़ के आता है तो जो लोग हैं वो उस पर डाल देते हैं बीन्स पे, वो खाली करके फिर वो ले जाता है। तो हमने जो है वो फिर इसके बाद प्लाट जो है वो साफ करवाए हैं। तो हमारा प्रोग्राम आगे ये है कि जो मेरे घर के साथ वाला प्लाट है उसमें हमने बच्चों के लिए छोटा सा एक पार्क बनाने का इरादा किया हुआ है, दूसरा जो है वो किचन गार्डनिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमने जो 3-4 प्लाट्स जो साफ हो रहे हैं उसमें हम इसी तरह नेक्स्ट जो है वो उसकी भी हमने प्लानिंग की है हमने क्या करना है उधर। इसके अलावा हमारा एजुकेशन का एक जो प्रोग्राम है कि बाजवार दें जो है बच्चों को गुर्बत की वजह से जो है स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, कुछ में ये था कि हमारे घरेलू काम काज है, बच्चियां ने पढ़ के क्या करना है, बच्चियां जो है वो काम ही करेंगी घर का, वो नहीं भेज रहे थे। हमने अवेयरनेस दी उनको, कुछ हमारा सरकारी स्कूल के साथ भी अच्छे वो जो है हमने कमेटी बनाई हुई थी, स्कूल में जाते रहते हैं इसको, बच्चों के साथ हमारा प्रोग्राम चलता रहता है, तो उसके उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, तो कमेटी में भी मैं शामिल हूँ स्कूल कमेटी में भी। तो बच्चों को फिर हमने सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाया, बच्चे जा रहे हैं स्कूल में। उसी दौरान जो है वो वाइस के तो हमारा प्रोग्राम चल ही रहा था, अभी भी चल रहा है, तो इस दौरान जब कोरोना की वबा आ गई, कोरोना के दौरान हमें तो खुद पता नहीं था कि ये क्या है, सबसे पहले तो हमें खुद सीखना था, हमें खुद पता चलना चाहिए था कि क्या चीज़ आई है, हमें पता होना चाहिए। तो हमने फिर NRSP वालों ने हमारे महकमा सेहत के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग रखी,
उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रेन किया। सबसे पहले खुद हम किस तरह महफूज रह सकते हैं, लोगों को जाके अवेयरनेस किस तरह दे सकते हैं। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं, तो इस वजह से सबसे पहले मुझे खुद को महफूज करना था। मैं खुद को कैसे महफूज रख सकती थी? SOPs पर फॉलो करके, मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक फासला रख के, बार बार हाथों को साबुन से धोने के बाद, घर से जब जाते थे अवेयरनेस देने के बाद जब घर वापस आती थी बाहर से आवाज लगाती बच्चों को, खुद ही बच्चे दरवाजा खोल देते, पानी खोल देते, मैं हाथ धो के फिर बच्चों कपड़े बाहर के चेंज करती फिर बच्चों के साथ आ जाती। और अवेयरनेस का हमारा गांव में ये प्रोग्राम था कि हम पहले जो CEOs की मीटिंग करते होते थे हम लोग जो है वो ग्रुप में मीटिंग करते थे, तो कोरोना वबा के बाद हम लोग ग्रुप में मीटिंग नहीं कर सकते थे, हम डोर टू डोर जा रहे थे जाते थे। फिर हमें कोरोना ब्रोशर दिए गए थे जो हम वो तकसीम भी कर रहे थे, जिसपे तमाम SOPs जो है वो लिखे हुए थे जिसपे अमल करना था, वो हम हर घर में भी हमने वो जो है दिए। तो हम लोगों को बताया मास्क का इस्तेमाल के बारे में बताया है, हाथ किस तरह धोने हैं, हाथ धोने का तरीका बताया है, तो सामाजिक फासला के बारे में बताया है, मास्क के बारे में। सबसे पहले ये था कि लोगों को ये एक मसला था कि हमने मास्क जो है वो बार बार किस तरह खरीदने क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो हमने कम्युनिटी में जो हमारी CEOs की मेंबर्स थी उनके साथ हमने मिल के सबसे पहले कपड़े के मास्क तैयार किए हैं, तकरीबन 2000 से ज्यादा मास्क जो है हमने गरीब कम्युनिटी में जो है डिवाइड किए हैं। इसके बाद हमने घर घर जाकर सबको कपड़े के मास्क बनाने का तरीका बता दिया, जो वॉशेबल भी थे, जो हम इस्तेमाल करके धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बाद बार बार हाथ धोने का तरीका जो है बच्चों को स्कूल में जा, स्कूल तो नहीं जा रहे थे, घर में ही थे, हमने बच्चों को बार बार हाथ धोने का तरीका बताया। पहले तो बच्चे बहुत तंग पड़े थे कि बार बार क्यों हाथ धोने पड़ रहे हैं, बड़े भी बहुत तंग थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वाकई हम SOPs पे अमल करके हम इससे बच सकते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल कर रहे हैं। हमारे गांव के में एक डेथ हुई थी, वो हमारे गांव के ही हैं, अलीपुर में रह रहे थे, लेतरा रोड पे, तो उनकी डेथ होगी। तो जब मैंने सुना कि कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो मैंने फिर जाके उनके घर में उसी टाइम पहुंच गई, मैंने कहा आप ऐलान ना करवाएं पोती का, बिल्कुल आप उनको जो है वो कम्युनिटी इस तरह अगर की होगी तो ज्यादा कोरोना फैलने का खदशा है, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो फिर उन्होंने उसी तरह किया, जब उनकी तदफीन होगी तो उसके बाद मैंने जो है वो उनको कहा कि आप लोग एहतियाती तौर पर आप लोग सब टेस्ट करवा लें। तो मेरा अच्छा रहता था NRSP की वजह से NIHN के साथ रब्ता किया, तो तकरीबन 45 लोगों में मैंने टेस्ट जो है वो करवाए, और उनमें से सबका जो है नेगेटिव आया, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि हमने अवेयरनेस पहले से बहुत ज्यादा लोगों को दी हुई थी। तो उसके बाद जो है वो इसमें इसी दौरान रमजान भी आ गया था बीच में, लोग मस्जिद में जाना चाहते थे, पहले तो कह दिया था हुकूमत पाकिस्तान ने कि मस्जिद में नहीं जा सकते, मतलब SOPs में अमल करें। फिर हमने ये किया कि मस्जिद में जो है सबसे पहले हमने समाजी फासला रख के निशान लगवा दिए, जहाँ पे नमाजी खड़े होकर समाजी फासले से अपनी इबादत कर सकते हैं। फिर हम हर जुम्मे वाले दिन स्प्रे करवा देते थे क्लोरीन का मस्जिद में, तो मास्क भी हमने डिवाइड किए थे, एक बंदा जो है दरवाजे पे खड़ा होता था बिल्कुल, जो मास्क के बगैर अंदर नहीं जाने देता था किसी को भी। हमने कम्युनिटी बेस पे भी हमने जो मास्क का इस्तेमाल था उसी तरह वो मस्जिद में भी करते थे, SOPs पे अमल करते थे। इसी दौरान जो है वो लॉकडाउन जब हुआ, वो वबा जब ज्यादा फैली, तो काफी सारे गरीब घराने थे जो जिनका गुजारा ही जो है मजदूरी पे हो रहा था, वो घर बैठ गए थे, बिल्कुल उनके चूल्हे ठंडे पड़े थे। हमने फिर गवर्नमेंट के इदारों से और मुहैया हजरात से रब्ता किया, तो लिस्टें हमारे पास पहले से बनी होती हैं, हमने अपने रजिस्टर पे मेंशन किया होता है, हमने बकायदा गरीब गुरबा की और बेवा औरतों की इस तरह हमने लिस्टें बनाई हुई होती हैं, सबसे पहले हमें पता होता है। तो हमने फिर उन लोगों के साथ रब्ता किया, रब्ता करके फिर उनसे हमने गरीब गुरबा जो लोग थे उनको तक 200 से ज़ायद जो लोग हैं उनको हमने राशन जो है तकसीम किया। तो इसके अलावा हमारे पास जब एहसास प्रोग्राम का जो चला, वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का,
वो ये था कि लिस्टें हमारे पास पहले से बनी हुई थी, लेकिन रजिस्टर करवाने के लिए लोगों को, उनको नहीं पता था कि हम लोग कैसे करें, हम ये इस पर। फिर वो हमने लोगों को तकरीबन 300 से ज्यादा लोग जो मेरे पास घराने उनमें लोग ऐसे थे जिनको हमने रजिस्टर करवाया, और उसमें से तकरीबन 250 लोग ऐसे हैं जो मुस्तफीद भी हुए उसमें। तो कोरोना के हवाले से हमारा अभी भी ये सिलसिला उसी तरह चल रहा है, हम भी अभी हम उसी पे उसी तरह काम कर रहे हैं। तो जब स्कूल खुले हैं उस दौरान भी हम स्कूल में गए हैं, स्कूल में जाके तो बच्चों को रोज जाते थे हम लोग, बच्चों को SOPs पे अमल करवाते थे, सामाजिक फासला रख के फिर हमने उनकी चेयर्स लगाई, फिर हम मास्क का इस्तेमाल के बारे में बताते थे, जब बच्चे स्कूल में आते थे हम उनको हाथ धोने का बकायदा तरीका बताते थे, रोज जाते थे हम लोग। तो उसके बाद जब स्कूल बंद हो गए तो बच्चे जब घर में बैठ के, उनको तो ये था कि कोरोना वबा तो जो है वो कम हो गई थी, बच्चों में के जहन में ये था कि शायद खत्म हो गया है कोरोना, लेकिन अब जब दोबारा शुरू हुआ है तो हमने दोबारा से उसी तरह जिस तरह हम काम पहले कर रहे थे उसी तरह अब दोबारा से काम करना शुरू किया है, उसी तरह हम घरों में जा रहे हैं, उसी तरह बता रहे हैं, SOPs पे अमल करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1200 घरानों पर हमारा गाँव मुश्तमिल है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी उस तरह का नहीं, एक दो केस जो आए हमने उनको तो किसी को नजला जुकाम था, किसी को बुखार था, इस तरह हमने उनको पहले क्वारंटाइन कर दिया, हमने कहा है कि आप लोग अलग हो जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि नजला जुकाम एक ऐसी बीमारी है जो आसानी से दूसरे को लग सकती है, कोरोना ना भी हो लेकिन नजला जो है पूरे घर वालों को लग सकता है, इससे हम पहले इतला देते हैं कि अगर आपको बुखार है आप अलग हो जाए बिल्कुल अपने घर वालों से। बहुत शुक्रिया शबाना, आपने बड़ी तफसील से बताया कि लोग जब अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने मसाइल खुद समझने और उन्हें हल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हुकूमत की जितनी भी पॉलिसियां होती हैं, जितने भी इकदाम होते हैं, उनका रिजल्ट मिलता है। और मैंने तफसील से बहुत अच्छी बात है सर, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, फंड्स की कमी की वजह से हम लोग जो हैं वो आगे नहीं चल सकते सर, हमारे पास इतना फंड मौजूद नहीं होता कि हम लोग आगे काम चला सके ना, हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप में और हुकूमत में यही फर्क है, हुकूमत से भी पूछें तो वो कहेंगे फंड्स की कमी है, लेकिन आप में और उनमें ये फर्क है कि आप साथ साथ काम कर रहे होते हैं, और हुकूमत का फंड जो है उससे अगर आपको आम तरीके से जो उसका रिटर्न मिल सकता है वो आपके जरिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये है पैगाम जो सबको जाना था। अब आपका बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है कि अब हम उस सूबे में चलते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ भी बहुत मसाइल हैं, बहुत दूर वाकया है, लेकिन नादर गुल आपको बताएंगे कि अगर लोगों को तंजीमें दे दी जाए तो क्या कुछ किया जा सकता है। नादर गुल जी, आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। जी मैं सबसे पहले तो जी SDPI का मशहूर हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी। इनफैक्ट मैं तो खुद एज ए डेवलपमेंट वर्कर लेट 90 से काम कर रहा हूँ, और एक बात जो लेसन लर्न है हमारा वो ये है कि हमारी कम्युनिटी बहुत रेजिलिएंट कम्युनिटीज हैं, और हमने देखा कि अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, ऑयल स्पिल, ये मुख्तलिफ किस्म की डिज़ास्टर हैं, नेचुरल डिज़ास्टर हैं जो हिट करते हैं हमारे एरियाज़ को। और ऐसा भी होता है कि हम साइमल्टेनियसली एक इलाके में फ्लड आया होता है और दूसरे इलाके में ड्राउट होता है, सेवियर ड्राउट होता है। तो कम्युनिटी हमारी रेजिलिएंट है और हर किस्म का शॉक शॉक जो है एब्जॉर्ब करती है, और इस कोरोना में भी हमने देखा कि जिस तरीके से हमारी कम्युनिटीज ने इसको रिस्पॉन्ड किया, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दी, मैं उसकी डिटेल आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ओवरऑल इस कैटास्ट्रफी, ये जो COVID-19 है, अगर इसको हम देखें, इसमें बलूचिस्तान में 26 फरवरी को हमें पता चला कि जी कुछ ज़ायरीन जो ईरान से आ रहे थे, कि खदशा था कि उसमें लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं, और हमने इसको देखा और फिर आपस में हमने अपनी टीम के साथ भी डिस्कस किया कि हम क्या करें, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी को समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है।
WHO ने इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसके अंदर कि किस तरीके से इस इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर डिस्टेंस, मास्क का इस्तेमाल और तो इस हवाले से हमने काम शुरू किया। हमने अपने तमाम जो हमारी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस थे उनको इंगेज किया इस काम के अंदर, और ये जो ऑपरेशन था ये कोई 3,995 लोग थे जो डायरेक्टली इस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व थे, और फिर उनकी हमने कैपेसिटी बिल्ड की। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने मदद ली, WHO से मदद ली, और टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे शाना ने बताया कि हमने NCOC के साथ एग्रीमेंट साइन किया, MOU साइन किया, जिस तरह BCOC के साथ भी बलूचिस्तान में हमने MOU साइन किया। तो इसमें हमारे जो कम्युनिटी एक्टिविस्ट थे, जो उलमा कराम थे, जो हमारे CRPs थे, जो हमारी तंजीमें थी, उनको हमने ऑर्गेनाइज किया, और मुख्तलिफ कम्युनिकेशन जो मीन्स थे जिसमें लाउड स्पीकर के ऊपर गलियों में ऐलानात, उसके अलावा मसाजिद के अंदर ऐलानात, और फिर यह कि हाउस होल्ड लेवल पे कम्युनिटी लेवल के ऊपर सेशंस जो हमारे CRPs थे वो कंडक्ट कर रहे थे। तो ओवरऑल कोई 7.6 मिलियन लोगों तक हमने इस मैसेज को पहुंचाया। ये 27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ऑपरेशन हमने साइमल्टेनियसली लॉन्च किया, और ये ह्यूज बड़ा एक्सटेंसिव ऑपरेशन था। इसमें कोई 180 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी इसमें इंगेज थी, और उसमें हमने अवेयरनेस स्प्रेड करने की हमने कोशिश की कि लोगों तक इसका पैगाम पहुंचाएं कि बीमारी क्या है, इससे प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, इससे बचाव कैसे हो सकता है। और फिर इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट हमने एज ए स्ट्रेटजी उसको फॉलो किया कि इसमें चूंकि हाथ धोना ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन मेथड था, तो हमने कहा कि इसको न सिर्फ कोविड के लिए बल्कि वैसे भी हाइजीन प्रमोशन जो है हमारे यहाँ पे, आप पता है कि 22 बीमारियों का डायरेक्ट ताल्लुक वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के साथ होता है। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, हमने मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे लोगों का रश होता था शहरों के अंदर, क्वारंटीन सेंटर, हेल्थ सेंटर, हमने कोई 500 से ज़्यादा करीब हैंड वॉशिंग प्लेसेस लगाए ताकि लोगों को तरगीब दी जा सके कि वो लोग हाथ धोने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फिर इसके साथ साथ जो PPE किट थी जिसके अंदर मास्क, सैनिटाइजर और जो स्पेशलाइज्ड किट थी फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, हमने कोई 8.5 लाख से ज़्यादा मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर, और हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर, क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर। इसी तरह जब कुछ अर्सा स्कूल खुले, स्कूलों के अंदर हमने ये सपोर्ट एक्सटेंड की, और ये जो काम था इसमें ज़्यादातर लीड जो थी वो कम्युनिटी की थी। तो अवेयरनेस रेजिंग के साथ साथ हैंड वॉशिंग प्लेसेस हमने डिप्लॉय की, और ये जो PPE किट है ये डिस्ट्रीब्यूट की। इसके साथ साथ आपको पता है कि इसका एक और जो बड़ा असरात थे वो माशी थे कि लॉकडाउन, मेरे ख्याल सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, इंतज़ामिया को, कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया उसने यकीनन बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटीज को सपोर्ट भी किया कि इन टर्म्स ऑफ माशी बदहाली नहीं आ सकी। लेकिन उसके साथ साथ एक यह है कि हमने हमेशा हर डिज़ास्टर के अंदर देखा है कि हमारे जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, हमारा जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है, हमारे लोग इस तरह के हालात में खुद आगे बढ़ते हैं, और अपने हमसायों में कोई गरीब लोग हैं, उनकी राशन की रिक्वायरमेंट है, उनकी कोई और रिक्वायरमेंट है, तो जो लोकल फिलैंथ्रोपी है इसने हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे रूरल एरियाज के अंदर। और इस कैटास्ट्रोफी के अंदर भी हमने देखा कि जो मुखिर हजरात थे उन्होंने अपने अपने इलाकों के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी, और जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा माशी क्राइसिस कम्युनिटीज के अंदर और ख़ासतौर गरीबों के दरमियान नहीं आया। इसके साथ साथ इसी हवाले से जो हमारी तंजीमें थी, क्योंकि आप पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या कम्युनिटी लेवल के ऊपर नॉर्मली एक जो गैप है हमारी इंतज़ामिया का और हाउस होल्ड लेवल का वो हमेशा से रहा है, और उसमें इस कैटास्ट्रोफी के अंदर भी इंतज़ामिया ने हमें अप्रोच किया और हमने अपनी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन इनके साथ लिंक कराए। तो कोई मोर देन 34,000 हाउस होल्ड ऐसे थे जो कि एहसास प्रोग्राम के साथ लिंक हुए, और एहसास प्रोग्राम मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस मुश्किल हालात में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हाउस होल्ड लेवल के ऊपर जिसमें बचाने में एहसास प्रोग्राम की यकीनन कंट्रीब्यूशन रही है। इसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उसमें अगेन हमारी तंजीमों ने लीड ली और कोई 24,000 के करीब घरानों को राशन वहाँ से प्रोवाइड किया। और फिर लोकल फिलैंथ्रोपी, जैसे मैंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ये राशन लोकली लोगों ने जनरेट करके, किसी ने 50 घरों का, किसी ने 100 घरों का,
तो ये जो इकोनॉमिक शॉक था उसने काफ़ी हद तक मेरा ख्याल ये कि हमारी बचत होगी, गवर्नमेंट की भी जो प्रोटेक्शन का प्रोग्राम था और इसके साथ साथ जो लोकल फिलैंथ्रोपी थी उसका भी अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो इस कैटास्ट्रोफी के अंदर ओवरऑल ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थी जो हमारी तंजीमों ने दी, और इसमें BRS ने यकीनन एज अ कैटलिस्ट हमेशा की तरह हम मौजूद रहे। और उसमें फिर अगेन जो गवर्नमेंट के साथ लिंकेज, इसके हमने कोई 138 के करीब मीटिंग्स प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट के साथ भी की, और इसकी जो स्ट्रैटेजी है चाहे वो अवेयरनेस रेजिंग के हवाले से थी, वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की थी, वो सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम था, उस हवाले से हम गवर्नमेंट के साथ क्लोजली लिंक रहे इस प्रोग्राम के हवाले से, कोविड के हवाले से। तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थी हमारी, और मैं समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को और जो RSPs हैं, हमें थोड़ा सा फ्यूचर में कोई 5-6 स्टेप्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें एक तो ये कि जिन इलाकों के अंदर तंजीमें हैं, हमें पहले से डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि ये एरियाज कौन कौन से डिज़ास्टर के लिए प्रोन हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर हमें अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी चाहिए। और जो कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट है उसको हम प्रमोट करें, हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनकी हम कैपेसिटी एनहांस करें, हम DDMAs की जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी कैपेसिटी एनहांस करें, और फिर एक प्रॉपर मैकेनिज्म कि हमारे पास डाटा मौजूद हो कि जब भी इस तरह की कैटास्ट्रफी आती है तो हमें विलेज वाइज पता हो कि कितने हाउस होल्ड अफेक्ट हुए, ताकि इमीडिएटली DDMA हो गया, PDMA हो गया, या और कोई इदारे हैं जो इमीडिएटली सपोर्ट करना चाहते हैं डिज़ास्टर में, उनको इमीडिएटली लिंक कर दें इन कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के साथ। तो मेरा ख्याल ये इसको थोड़ा सा हमें मजीद फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कोविड के अंदर के NCOC और BCOC गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की और फिर उनके साथ हम लिंक हुए, हमने MOU साइन किया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको हमें थोड़ा सा और मजीद ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है कि हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन विलेज वाइज कलेक्ट करें, हम विलेज वाइज डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटीज फॉर्म करें और फिर उनको हम लिंक करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ये चंद मेरी तरफ से गुजारिशात थी कि जो कैटास्ट्रफी जब भी आती है उसमें किस तरीके से हम और हमारी जो कम्युनिटीज हैं वो इसमें मिल के काम करती हैं। और इसमें मेरा ख्याल ये है कि हमेशा हर इमरजेंसी के अंदर जो हमारा लेसन लर्न रहा है कि यकीनन रिसोर्स कंस्ट्रेंट हमेशा होता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी इमरजेंसी के अंदर रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं होता। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कमोडिटीज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ जो गुड्स हैं, जो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट है, उसके इश्यूज होते हैं कि जो हकदार होता है उस तक कैसे पहुंचा जाए। और इंतज़ामिया भी परेशान होती है कि जी सामान पड़ा होता है वेयर हाउसेज के अंदर, किस तरीके से उनको लोगों तक पहुँचाया जाए। इसके लिए जो हमारा मॉडल है, जो CBDRM का मॉडल है, उसको मेरा ख्याल ये कि हमें थोड़ा सा आगे लेके जाने की जरूरत है, और इस पे हुकूमत पाकिस्तान और प्रोविंशियल हुकूमतों को जो है ना इसको बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है कि हम तवज्जो मॉडर्न DDMAs पे दें। हम नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे बहुत पॉलिसी बनाते हैं, अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन आती है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हमें होते हैं। तो हमें इमीडिएटली मेरा ख्याल ये कि हमें किसी भी डिजास्टर का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पहले से ही वेल पैंड तरीके से मॉडल DDMAs की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे कम्युनिटीज और जो इंतजामिया है, जो अथॉरिटीज हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनका मिलके एक मैकेनिज्म हो कि जैसी कोई इमरजेंसी आती है, अब जैसे आज कल सीजन है, क्वेटा -8 पे चल रहा है और यकीनन नेक्स्ट वीक बर्फबारी शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारे इलाके हमारे कट जाते हैं एक्सेस से। तो इसलिए अब उसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए कि बजाय इसके, और इस मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ PDMA को भी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया कि एडवांस में उन्होंने मशीनरी डिप्लॉय कर दी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। तो मेरा ख्याल ये कि ये जो लिंक है बिटवीन कम्युनिटी और इंतजामिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐड करेगा वैल्यू इस तमाम की तमाम आने वाली फ्यूचर कैटास्ट्रफी के लिए, कि बगैर टाइम ज़ाया किए इमीडिएटली मूव करें और लोगों को मजीद जो भी इमरजेंसी है, जो भी नेचुरल कैटास्ट्रफी है, उसके इफेक्ट से उनको बचाया जाए। तो इसलिए हमें एडवांस प्लानिंग करनी चाहिए। और इसमें मेरा ख्याल ये कि अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि 2005 का अर्थक्वेक था, इसके बाद 2010 का मैसिव फ्लड था, और फिर अब ये पेंडेमिक जो है कोविड का, तो इसने बड़ा पूरे मुल्क को घेरा हुआ है और पूरा मुल्क अफेक्ट हुआ है इसे। तो इस किस्म की कैटास्ट्रफी के लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, आपका कोई सवाल हो तो मैं सकता हूँ। तारिक, ये बहुत शुक्रिया नादिर आपका, आपने बहुत अच्छे 5 नुकात बता दिए जिन पर मुस्तकबिल में अमल करना चाहिए। मेरा ख्याल है लोग उस पर सवाल भी करेंगे। एक सवाल और सवालों को सवालों के वक्फे में लेंगे,
आप एक बात साथ साथ बताते जाइए कि टेस्टिंग की डेंसिटी क्या है रूरल एरियाज बलोचिस्तान में। जी, ये एक इशू रहा है हमारा, और जैसे आप पता है कि पूरे मुल्क के अंदर इशू था, जो टेस्टिंग की फैसिलिटी थी वो इनएडिक्वेट थी, और बलूचिस्तान में भी रूरल एरियाज के अंदर ना होने के बराबर थी, बेसिकली फैसिलिटी नहीं थी, कोयटा के अंदर ही उनको रेफर करने की जरूरत थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसके टेस्टफी के अंदर बलूचिस्तान चूंकि बहुत वाइड स्प्रेड है, 35 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं, तो इसका जो इफेक्ट रहा है ज्यादातर वो शहरों के अंदर रहा है, कोयटा हो गया, फुजदार हो गया, केच हो गया। तो जो रूरल एरियाज हमारे हैं वो ऑलरेडी स्कैटर्ड है, आप पता है कि हमारी लाइफ स्टॉक डिपेंडेंट इकोनॉमी है और वो स्प्रेड है रूरल एरियाज के अंदर, तो इसलिए इसका फैलाव रूरल एरियाज के अंदर बहुत इनसिग्निफिकेंट रहा है, और मेन इसका जो मरकज है वो शहर में रहा है। और उसके लिए गवर्नमेंट की ये अरेंजमेंट थी कि अगर कोई ऐसे केसेस हैं या जिनको शक था कि जी इनको कोविड हो सकता है, तो उनके लिए फिर रेफरल का मैकेनिज्म मौजूद था कि कोयटा में लाके उनको टेस्ट किया जाए। और टेस्टिंग की फैसिलिटी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारे लिए, जैसे कि अब आने वाले दिनों में बहुत सारी हर जगह पर डिस्कशन हो रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो हम तक कैसे पहुँचेगी, उसकी कोल्ड चेन कैसे मेंटेन होगी, और किस तरीके से ये तमाम की तमाम हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है इसको वैक्सीनेट करना, तो ये चैलेंज टेस्टिंग के अंदर भी रहा है और आगे ये जो वैक्सीन आ रही है उसमें भी यकीनन ये चैलेंज रहेगा हमारे लिए। चलिए, कोल्ड चेन का मसला कोयटा में तो कम होगा। अब चलते हैं कारिक नसीर साहब की तरफ। कारिक, अपना स्पीकर ऑन करें। तारिक साहब जी, सर एक तो मैं तो अपने आईसीटी के हवाले से आपसे शेयर करूंगा कि बिल्कुल जब यूं ही ये 5 मई की बात है कि बाजवा साहब का मुझे रात को फोन आया और हम लोग सुबह एनसीओसी ऑफिस में गए तो सर हमारे साथ थे, तो वहां पे हम बैठ के उन्होंने कहा जी के ये मसला है और इस तरह से टीटीक्यू प्रोजेक्ट है और बाकी सारे काम हमने करने हैं वबा की और इसको काउंटर करना है। तो उस मीटिंग में डीसी इस्लामाबाद भी शामिल थे और बाकी जो महकमों के सरबराह थे वो भी शामिल थे, तो उन्होंने हमें कहा जी कल अगर आप एक ऐसी मीटिंग करवा दें जिसे इस्लामाबाद की तमाम यूनियन काउंसिल से कुछ कारकुन आ जाए जिनको हम फासले पे बैठा के एक मीटिंग कर सकें। तो हमने वो मीटिंग अरेंज की, उस मीटिंग में तमाम एक्टिविस्ट ने ये जब विलिंगनेस दिखाई तो डीसी साहब इस्लामाबाद जो हमदा शफकात हैं वो बहुत मुतासर हुए, उन्होंने कहा जी ये प्रोग्राम तो अब फौरन इसकी कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए। तो सबसे पहला जो मरला हमारा ये था कि हमने इस्लामाबाद की तमाम जो हमारे 105 लोग हैं उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया। उन 105 एक्टिविस्ट जो थी हमारी हवादीन जिसमें से एक शबाना है, इनको पहले हमने मतलब महकमा से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उनकी एक टीम बनाई गई और हमारी तरफ से हमारा इदारे के तमाम सोशल ऑर्गेनाइजर उसमें शामिल थे, हमने वो ट्रेनिंग अरेंज की तमाम यूनियन काउंसिल्स में और उन ट्रेनिंग्स में लोगों को ये बताया गया कि SOPs को कैसे फॉलो करना है। तो ये एक बहुत कामयाब तजर्बा था और इन 105 जो हमारे एक्टिविस्ट थे इन्होंने अब तक 25,000 खवातीन को बिलमशाफा सामने बिठा के ये जो ट्रेनिंग इनको महकमा सेहत ने ये ट्रेनिंग दी थी वो ट्रेनिंग इन्होंने तंजीमों में 25,000 खवातीन तक ये तमाम मालूमात तमाम बातें लोगों को पहुंचाई। और वो उसके बाद हमने ये भी शुरू किया कि एक तो हमने ये भी किया कि पहले दिन 5 मई को जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने किसी फंडिंग का इंतजार नहीं किया, NRSP ने खुद अपनी तरफ से मतलब पहले दिन ही हमने तकरीबन 60,000 ब्रोशर जो हैं वो प्रिंट करवाए, बड़े बड़े मतलब है कि अपना ये पैनाफ्लेक्स तैयार करवाए, हमने किसी फंडिंग का इंतजार नहीं किया बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो हमारे हमारे पास फंड्स थे वही हमने इस्तेमाल किए और तंजीमों में जाके तो इसका अपनी कैंपेन शुरू कर दी। और यकीन करें ये जो हमारा यकीन है ना कि लोग
लोग बहुत कुछ खुद से कर सकते हैं और लोगों में काम करने की सलाहियतें बहुत ज्यादा मौजूद हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल सामने हमारी तंजीमात जो गांव मोहल्ला की सतह पे हैं, ग्रुप की गांव की सतह पे हैं और यूनियन काउंसिल की सतह पे हैं, ये सारा नेटवर्क एकदम जो है इन एक्शन हो गया। और फिर इन जो ट्रेनिंग हमारी हो रही थी इनमें हमारे साथ एनसीओसी थे, कर्नल अदनान साहब थे और डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने अपने अपने एक एडीसी जी साहब की भी ड्यूटी लगाई हुई थी, और पांचों जो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो भी हमारे साथ फील्ड में मौजूद थे। तो बड़ा मजा आया कि हमने एनसीओसी के साथ मिलके जब ये ट्रेनिंग करवाई और उसके बाद उन्होंने जिले इंतजामिया भी हमारे साथ थी और हम गांव गांव घूम रहे थे, तो एक वाकई पता चला कि ये अगर गांव की सतह पे और पूरे हमारे इलाके में यूनियन काउंसिल की सतह पे जो हमारी LSO तो हमारी तंजीमें अगर ऐसा नेटवर्क हो और हकूमत की तरफ से उसके साथ तआवुन हो तो एक बहुत बेहतर काम हो सकता है। वो जो शोएब साहब ने कहा था कि लोगों को आप बस थोड़ी सी आप मनज़म करें और उनके पोटेंशियल को हार्नेस करें, तो वो एक बहुत बड़ी जबरदस्त मिसाल हमारे सामने आई। और इसको फिर आर्मी की तरफ से जो कर्नल अदनान साहब थे वो भी बड़े मुतासर थे और उन्होंने जब देखा तो ये जो हमारे 25,000 खवातीन हैं इन्होंने होते हैं जो जिनको हमारी इन 105 ट्रेंड एक्टिविस्ट ने उनको ट्रेन किया, फिर ये सिलसिला आगे चलता गया। और इन यूनियन काउंसिल में आपको मैं बताऊं कि अभी भी ये जो कोविड के मरीज हैं इनकी तादाद बहुत कम निकली, और जहां पे हमने 83 लोगों को टेस्ट के लिए भेजा फिर उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे, ये बड़ी जबरदस्त मॉक एक्सरसाइज तो नहीं थी इस तरह से हमने देखा उनके साथ कि पहले हमने क्योंकि लोगों को मॉक एक्सरसाइज में बताया हुआ था कि अगर आपके यहाँ कोई पेशेंट निकले तो उस पेशेंट को तो आपने टेस्ट के लिए लेके जाना है, उसके बाद उसने जिन जिन लोगों से मिला है उनका भी टेस्ट करवाना है। तो ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी रही और इसमें हमारे यहाँ पे इवन NIH में हमारे मतलब के जितने लोग टेस्ट करवाने गए तो वो उनको जिले इंतजामिया की तरफ से और खासकर NCOC की तरफ से जो हमारे था, तो उन्होंने फिर यहाँ तक भी कर दिया कि हमारी ये 5 यूनियन काउंसिल में जो BHU है यहाँ पे वहां पे लोगों ने आगे महकमा सेहत के लोगों ने वहां पे टेस्ट करने शुरू किए। और जो ज्यादातर जैसे बताया ना शबाना ने भी कि वो जो इवन जो कॉन्टेक्ट थे उनके भी हमने जब करवाए तो उससे ये हुआ कि मतलब ज्यादा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं उस हिसाब से। तो एक तो ये था कि जी हमारे ये हमारा यकीन ज्यादा पुख्ता हुआ कि गांव की सतह पे अगर एक तंजीम मौजूद हो, लोग मनज़म हो, तो वो हमारे बहुत थोड़े से रिसोर्सेज के साथ इस बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और इस तरह हमने इसको कोविड को काउंटर किया, जो इसका मुकाबला किया इस इलाके में, वो एक आप मतलब इवन आप ये देखेंगे लोगों हमने अपने तमाम स्कूलों में जैसा शबाना बता रही है कि तमाम स्कूल जब खुले हैं तो जब स्कूल खुले हैं तो हमने ऐसे नहीं कि क्योंकि हर स्कूल में हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज भी बनी हुई हैं, उन कमेटीज के साथ हमने मिलके उन स्कूलों में भी जब स्कूल शुरू हुए गवर्नमेंट ने तो कह दिया स्कूल खुल गए, स्कूलों में भी जाके हमने SOPs फॉलो करवाए हैं। इसके अलावा ये था कि हमें सपोर्ट भी मौजूद थी और ये लीवर ब्रदर वालों ने हमें तकरीबन यहाँ पे 40,000 साबुन की टिकिया ये जो थी ये भी हमने ये कहा कि वैसे तो लोगों को हमने मनज़म कर लिया और वो हमारी बात को समझते हैं और जब उनको फायदा नुकसान नजर आता है तो फायदे की तरफ आते हैं, लेकिन इसके अलावा फिर भी हमने ये किया कि हर जो ट्रेनिंग हम करवाते थे उस ट्रेनिंग में जो गरीब तरीन घराने हैं उनको 2-2, 3-3 साबुन की टिकिया भी हमने दी और फिर साफ हाथ धोने का प्रॉपर जो एक तरीका है कार वो बताए। अभी भी आप किसी भी यूनियन काउंसिल में जाएं 5 साल के बच्चे को बुलाएं उसे कहें हाथ कैसे धोते हैं तो वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट तरीके से बताएगा जी ऐसे हाथ धोते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमने अपनी तंजीमों के जरिए जब की तो हमारे इलाके जो हैं खासकर ये इस्लामाबाद के अराउंड 5-6 यूनियन काउंसिल हैं इनमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं।
कि बहुत कम मरीज यहाँ पे आए और जिंदगी काफी हद तक रामादामा भी रही है वहां पे। तो दूसरी पहले इसमें एक और बात में, जैसे शबाना ने बताया कि हालांकि वो मेडिकली पता नहीं सही था या नहीं था उसी वक्त हमें लग रहा, तो हमने फौरी तौर पे अपने इलाके की जो एक्टिविस्ट है उनसे बात की कि क्या आप ऐसा मास्क बना सकती हैं। तो शुरू में हमने एकदम यहाँ पे जो 5-6 खवातीन थी हमारी, जो 10 जिनों को टेलरिंग की ट्रेनिंग ली हुई थी, उनको जब ये हमने कहा तो उन्होंने फौरी तौर पे सैकड़ों के हिसाब से मास्क तैयार करने शुरू कर दिए। ये वो वक्त है जब मैं बता रहा हूँ, मई जून की बात कर रहा हूँ, अप्रैल मई में हमने तेजी से काम किया। मई में मार्केट में मास्क नहीं मिल रहे थे और मैं ऐसी दो एक्टिविस्ट अपनी बता सकता हूँ जिनसे मास्क जो है जिले इंतजामिया ने भी आके बार बार खरीदे, जिन्होंने तो उस वक्त सिर्फ 8 रुपए के हिसाब से मास्क फरोख्त करने शुरू किए, तो वो जिले इंतजामिया भी उनसे मास्क लेके गई, बल्कि कुछ बड़े इदारे भी मतलब इदारों का क्या NDMA के लोगों से भी लोगों ने भी उनसे रब्ता किया। ये हमने हजारों के हिसाब से खवातीन ने इसमें चले, उनकी अर्निंग भी होगी क्योंकि एक मास्क पे जो खर्चा था वो सिर्फ 4-4.5 रुपए आ रहा था उसके हिसाब से। शुक्रिया तारिक, बहुत शुक्रिया आपका आपके इसी पुख्ता यकीन के साथ कि तंजीम हो तो काम बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन आपने ये भी कहा कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द इलाकों में आपने काम किया, हो सकता है यहाँ सूरत हाल ज़रा बेहतर भी हो। अब चलते हैं राशिद बाजवा की तरफ जो NRSP के हेड हैं और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे मुल्क में मौजूद है, तो देखते हैं कि वो अपने मुख्तलिफ इलाकों में कैसे लोगों तक पहुँचे और किस तरह उनकी मदद की। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रा अपना फोकस उन इलाकों पर रखें जिनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद नहीं है। शुक्रिया तारिक, सॉरी राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। NRSP का जो है काम, चूंकि ये नेशनल प्रोग्राम है तो चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर में फैला हुआ है। इस वक्त हम तकरीबन हमने 72 लाख घरानों को मुनज़्जम किया हुआ है। ये जो 72 लाख घराने हैं, ये जो छोटे सूबे हैं उनमें जनूबी बलूचिस्तान यानी तुर्बत, गवादर, पंजगूर ये इलाका, और इसी तरह सिंध के जो जनूबी सूबे हैं जिसमें बदीन और ठट्ठा ये इलाके शामिल हैं, हैदराबाद, इसमें हमारा काम शामिल है। जो बातें हुई हैं, जो तंजीमों का जो रोल रहा है इस सारे कोविड के अंदर, वो पहले से बताया जा चुका है और आपको ये शबाना ने एक मिसाल भी दे दी है। ऐसी मिसालें हजारों मौजूद हैं और हर सूबे में मौजूद हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो हमें समझ आई वो ये थी कि इसमें कोई फर्क नहीं है। जो लोगों का जो रिएक्शन था इस वबा के साथ वो वैसा ही था, चाहे वो इस्लामाबाद की दही यूनियन काउंसिल्स हो या सजावर या ठट्ठा या बदीन की यूनियन काउंसिल्स हो या तुर्बत या पंजगूर की यूनियन काउंसिल्स हो। उसकी वजह शायद ये है कि जो तरीकाकार है रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स का वो एक ही है, वो यकसां तरीकाकार है और वो तरीकाकार बड़ा सीधा है कि लोगों गाँव वालों के घर तक पहुँचना और उनसे ये पूछा जाए कि क्या वो अपनी हालत बेहतर करने का उनमें उनका कोई इरादा है, और अगर है तो फिर ये तरीका कार है कि आप मुनज़्ज़म हों और उसके बाद तंजीमें बनाएं, और वो तंजीमें मोहल्ला की सतह पे जिसको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, गांव की सतह पे विलेज ऑर्गेनाइजेशन और फिर यूनियन काउंसिल की सतह पे लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो तीन ये जो एक तिकोन बनती है यही है वो स्ट्रक्चर, चाहे वो आप जहाँ भी चले जाएँ ये वो स्ट्रक्चर मौजूद है। हमें NRSP को जो शायद एक एडवांटेज ये थी कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसके अंदर हिफाजती टीका जात, तालीम, सेहत और ये जो सैनिटेशन है गंदा पानी का निकास, इसका प्रोग्राम जिसको हम वाइज कहते हैं, वाटर इम्यूनाइजेशन सैनिटेशन एजुकेशन, ये हमने बड़े बड़े मैसिव तरीके से हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है।
उसका भी बहुत फायदा हुआ है क्योंकि लोगों में पहले से आगाही मौजूद है और थी भी कि ये अपने हालात, और ये आप गौर करें कि ये चार की इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे जो SDGs हैं उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो इनको चूंकि ये पहले से ये चल रहा था प्रोग्राम और उसके ऊपर से ये जब ये कोविड का आया, ये आफत आई, तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय कि अपने आप को बचाना कैसे, जिसको अंग्रेजी में प्रिवेंशन कहते हैं। वो प्रिवेंशन के भी बहुत दो सादा असूल ही थे कि वो आपके पता के डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से करीब नहीं आना, और हाथ साफ करने, क्योंकि ये हाथ की वजह से आंखों में फिर उससे ये वायरस फैलती है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो दही इलाके हैं उनमें ये वबा कम फैली है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी शायद वजह यह है कि लोग दूर दूर खुले रहते हैं गांव में। और दूसरी एक और फिर टेक्निकल चीज़ें में, जिसके अंदर एक साइंसी तरीक ये भी है कि शायद हमारे इतने सेहत के हालात इतने अच्छे नहीं थे चूँकि गाँव में, यानी कि पानी के और दूसरे, तो उसकी वजह से जो हमारी जो कुव्वत इफादियत थी, यानी कि जो हमारी जो इम्यूनिटी थी वो पहले से हाइटेंड अलर्ट पे थी हमारे लोगों में। और इसलिए चूंकि आप जितना आपकी इम्यूनिटी हाइटेंड अलर्ट पे हो उतना ही आपके पास ये वायरस कम उसका असर करता है। इसकी मिसाल मैं ये दूंगा, इसीलिए आपने देखा है कि जो 65 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं उनमें ये ज़्यादा बीमारी असर करती है, जो यंगस्टर हैं जो कम उम्र के जो लोग हैं उनमें कम करती। तो हमारे लिए जो तजर्बा है वो ये है कि ये यकसा हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं है चाहे वो इस्लामाबाद की कैपिटल, सिर्फ ये हुआ क्योंकि ये करीब था और वो NCOC करीब था, उन्होंने कहा जी कल आ जाएं आप, हम कल ही आ गए सारी अपनी तंजीमों को ले गए, तो फिर वो एक हाइट हो गया, वो मतलब है कि वो हाइटन हो गया क्योंकि ज़ाहिर है करीब था। और फिर दूसरी बात ये थी कि NCOC बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, तो ये लोग जाके भी इन्होंने देखा, हमारी ट्रेनिंग्स को देखा, लेकिन ये हर जगह यही हुआ है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हमने सबसे बड़ा जो इसमें जो लेसन लर्न किया है ना, जो हमने सीखा है और जो हुकूमत को भी समझना चाहिए, वो बड़ा सिंपल है कि ये तंजीमों का जो नेटवर्क है ये अब मौजूद है, ये एक हकीकत है, और इसको अगर हकूमत इस्तेमाल करना चाहे तो बड़ी आसानी से और बहुत जल्द, यानी दिनों में ये काम हो सकता है कि इन तंजीमों को। और ये, और इससे भी अहम बात ये है कि जो तंजीमें हैं, जो लोग हैं, वो विलिंग है इस वक्त, वो बिल्कुल हकूमत के साथ शाना बशाना हाथ मिला के काम करने को तैयार है, अपना फंड्स भी देने को तैयार है, अपना वक्त भी देने को तैयार है। क्या चाहिए कि हमको एक रिकग्निशन चाहिए कि जी वाकई आपने काम किया, और मैं बड़ी बड़ी खुशी है कि ये जिस तरह शबाना को और बाकी को तंजीमों को कुछ को वजीर आजम ने अवार्ड भी दिए NCOC के जब वो आए थे, तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई क्योंकि उससे लोगों में का और हौसला बढ़ा। बल्कि अब तो ये प्रेशर ये था कि जनाब आपने इस्लामाबाद वालों को तो अवार्ड मिल गया, तो जो हमने सिंध में काम किया और जो बलोचिस्तान उनको बेचारों को, तो वो हमें बल्कि उनको समझाना पड़ा कि जी ये क्योंकि ये इमरजेंसी थी इसलिए ये हो गया, लेकिन आपको तो ये जो है ना कि रिकग्निशन, और इसको करने के लिए परवेज साहब ये बड़ी आसान है आपके, अगर गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे, चाहे वो जिलाई लेवल पे या सूबाई लेवल पे या वफाकी लेवल पे, अगर वो इन तंजीमों को इस्तेमाल करना चाहे, और सिर्फ ये नहीं कि कोई खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए उसमें, बल्कि मेरा अपना ख्याल ये है कि इन ये भी समझना चाहिए कि ये सबसे अच्छे डेवलपमेंट पार्टनर्स बन सकते हैं। अगर इनसे आपने काम करवाना हो, चाहे वो गांव की सतह पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, गुर्बत की दूरी का काम हो, एक सबसे अहम आजकल मसला ये है कि जो ग्रेजुएशन आउट ऑफ पावर्टी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि कैसे गरीबों को गुर्बत से निकाला जाए, और वो ग्रेजुएशन के लिए जो बड़े महकमे हैं जिस तरह एहसास प्रोग्राम है पाकिस्तान का और दूसरे प्रोग्राम है, उनके साथ बड़ी आसानी से इसको लिंक किया जा सकता है। अभी हम एक बहुत बड़ा तजर्बा कर रहे हैं, जो PPAF पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड और IFAD जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इनके साथ उनकी फंडिंग के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान EAD के साथ, ये देख रहे हैं हम कि कैसे तंजीमों के थ्रू और ये जो स्ट्रक्चर है इसके थ्रू इसको इस्तेमाल करते हुए
कितने लोगों को हम जो गरीब तरीन लोग हैं उनको गुर्बत से निकाल सकते हैं। ये जो है एक बहुत अहम तजर्बा भी है और लर्निंग भी है कि हम अपने मुल्क को हम कम से कम दही इलाकों में जो गुर्बत है उसको कैसे हम उसको जल्दी से और इफेक्टिवली उसको इन तंजीमों को इस्तेमाल करके गरीबों को सस्टेनेबल लेवल पे, यानी ये नहीं कि एक दिन वो बेचारा गरीब था, दूसरे दिन अब वो गरीब नहीं रहा और फिर तीसरे दिन फिर वो गुर्बत की चक्की में आ गए, नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल लेवल पे हम इसको अप कर सकते हैं। और इसके लिए अब हमारे पास, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, हमारे पास ये टूल्स भी मौजूद हैं, सिर्फ विलिंगनेस चाहिए हकूमत को और हकूमती इदारों को, और ये काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वाशिक। एक बात सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा वाशिक, मैं पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बोर्ड पे हूँ और पिछले दिनों उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू करने का इरादा जाहिर किया है, तो उसमें आपकी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, आपको कुछ अप्रोच किया गया है? मुझे जो ये हमारी उनसे बात चल रही है वहाँ भी अभी थोड़ा सा वो ब्यूरोक्रेसी आ गई है, वो अली अजद मल्ली साहब से मेरी गुफ्तगू जारी है जो उनके चेयरपर्सन हैं। अच्छा। और मसला उसमें यही है कि उनके जो वो काम करना चाहते हैं उसके लिए जो अभी जो फंडिंग आनी है पंजाब गवर्नमेंट की वो भी उतनी नहीं है उनके पास अभी। वो अपनी वो एक किस्म का वो एक देख रहे हैं कि हमारी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमने उनसे ये कहा है कि क्रोशल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बड़ा उनके पास आया है डोनर फंडिंग का, उसको उन्होंने लेके चलना है। पंजाब गवर्नमेंट ने तो उसमें से 20% कंट्रीब्यूट करना है, तो इस एंगल से आप देखें वो इतना बड़ा प्रोग्राम मुझे नहीं लगता खुद कर पाएंगे। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। असल में एक मुश्किल पाकिस्तान में एक बड़ी मुश्किल बात यह कि हर कोई जो आता है वो एक अपनी नई एक ईंट की मस्जिद खड़ी करना चाहता है, ये नहीं देखते कि जो काम हो चुका है और जिसका जो कि प्रूवन है काम और जो बड़ा आसान है करना, उसको अगर वो अपना लें तो सबका भला है उसके अंदर। अब देखिए कि ये पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की आपने मिसाल दी है, ये इसको एक साल हो गया है इनको अभी तक, एंड दे आर स्टिल ग्रैपलिंग विद द इशू कि हमने कैसे टारगेटिंग कैसे करनी है, हमने कैसे लोगों के पास जाना है और कैसे लोगों को ये जो है ना ये ग्रेजुएशन करनी है। जबकि जैसे मैंने मिसाल दी है आपको, ये जो पीपीएफ और ये इसका जो इफाद का प्रोग्राम है वो ये काम अभी हो रहा है और पंजाब में भी हो रहा है उसके, ये नहीं कि सिर्फ और सूबों में हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। तो ये एक बहुत अहम जो है ना जो 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 इस पे जो नतीजा निकलता है जो जो हमारा जो है वो ये है कि एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड। ऑल्दो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमें ये देखना है कि काम व्हाट हैज सक्सीडेड एंड व्हाट इज द प्रूफ फॉर दैट सक्सेस। ये अगर वो कोई भी महकमा, चाहे वो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है या पंजाब गवर्नमेंट है जो भी है, अभी आपको मिसाल देता हूँ, एक साउथ पंजाब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर वो लो कॉस्ट हाउसिंग बना के दे रहे हैं, हम ही कर रहे हैं उनके साथ काम। अब एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ हकूमत को परेशानी है कि जनाब घर कैसे बनेंगे। अब वो घर जो है वो बन रहे हैं उधर और वो हकीकत है, लेकिन वो नहीं, बस नई चीज देखनी है उन्होंने। चलिए जी, वमूज़े मम्लकत है ये, इनका क्या किया जाए। शंगांगा, आर यू देयर एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब कुछ यहाँ दोस्तों के सवाल है, तो आप उसको कंडक्ट कर लें सवालात को। ठीक है जी। एक तो शमसुल्ला साहब है जिन्होंने बीआरएसपी का सवाल था, के लिए सवाल था, मेरा ख्याल है कि वो कुछ तो उसका जवाब आ गया है नादिर गुल साहब से कि स्पेसिफिकली बीआरएसपी की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी, तो I think that has probably been addressed. Nadir Gul sahab, would you like to say something else? एक तो scale का जरा बता दे नादिर साहब कि
कितने स्केल पे काम हुआ है वहां पे, और मतलब उसके क्या कुछ अगर रिजल्ट आए हैं इन टर्म्स ऑफ, खास तौर ये जो टेस्टिंग है या रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्ट सस्पेक्टेड केसेस इस किस्म की, ये कुछ हुआ है वहां पे? देखिए जी, इसमें जो स्केल था काम का, वो तो मैंने आप बताया कि हम कोई बलूचिस्तान की टोटल आबादी जो है 12 मिलियन है और हम 7.6 मिलियन लोगों तक पहुंचे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो बलूचिस्तान कोई रूरल हमारी कोई 666 यूनियन काउंसिल्स हैं, और उसमें बीआरएसपी ने कोई 447 यूनियन काउंसिल में काम किया इस कोविड के दौरान। और मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये 447 यूनियन काउंसिल जो हैं, जियोग्राफिकल एरिया इसका कोई 2,47,000 स्क्वायर किलोमीटर था, तो ये इट वॉज वेरी बिग ऑपरेशन आई वुड से, कि ये बहुत ही फैला हुआ ऑपरेशन था, जिसमें मैंने कहा कि कोई 3,995 करीब हमारा स्टाफ, हमारे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के लोग, हमारे सीआरपी, हमारे जो उलमाए कराम जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व थे और अवेयरनेस रेजिंग के हवाले से बात की। एक और इसमें जो हमने काम किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें रिक्वेस्ट की कि जी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, डीएचक्यू हैं, आरएचसीज हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, कि उसकी एक असेसमेंट शुरू के दिनों में या अप्रैल के दिनों में, कि जी आप हमें असेसमेंट करके दें कि क्या स्टेटस है, कितनी फैसिलिटीज खुली हुई हैं, कितना स्टाफ है, पीपी किट क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगेन इट वॉज इन 27 डिस्ट्रिक्ट और कोई 760 के करीब हेल्थ फैसिलिटी थी, और इमरजेंसी में आपको पता है कि टाइम इज ऑफ एसेंस, तो हमने ये पूरा 27 इजला के अंदर ये जो असेसमेंट थी हमने 4 दिन के अंदर कंप्लीट करके इसके रिजल्ट हमने गवर्नमेंट के साथ शेयर किए, और उसकी बेसिस के ऊपर जो हमारे पास की कमोडिटीज आ रही थी, जो पीपी किट थी या मास्क थे, सैनिटाइजर थे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बड़ी आसानी हुई। दूसरा ये भी पता चला कि कितनी हेल्थ फैसिलिटीज हैं जो फंक्शनल है, कितनी है जो कि नॉन फंक्शनल है कोविड के हवाले से। तो ये बड़ा स्केल का एक ऑपरेशन था जिस पर हमने काम किया। जहाँ तक बात टेस्टिंग ट्रेसिंग की है, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि रूरल एरियाज के अंदर तो बड़ा मुश्किल था, अगर आप किसी को सस्पिशियस कर रहे थे कि जी वो कोविड है तो उसको आपको क्वेटा रेफर करना पड़ रहा था, और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी अरेंजमेंट की थी, हम भी उसमें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये इशू था अपनी जगह पे। लेकिन ज्यादातर केसेस जो है वो क्वेटा में ही थे, कि क्वेटा कैपिटल है, इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ द प्रोविंस पॉपुलेशन लिव्स इन क्वेटा, तो उसमें ये टेस्टिंग ट्रेसिंग जो है इस पे हमने और हमारी कम्युनिटीज ने काम किया, और उसके फायदे भी हुए, टेस्टिंग बढ़ी क्वेटा के अंदर। तो ये ओवरऑल स्केल काम था, और इसमें रिसेंटली हमने हकूमत को एक प्रोजेक्ट है उसके तहत कोई 2016 किट्स भी टेस्टिंग की हमने प्रोवाइड किए हैं, जो हमारी टेस्टिंग लेबॉरेटरी है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी स्केल का हमने इस पर काम किया, और हमारी वेबसाइट के ऊपर जो हमारा ओवरऑल रिस्पांस है कोविड का वो भी मौजूद है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड के अंदर ये हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन रही, इससे पहले भी जब भी कोई डिजास्टर आया, जैसे 2008 का अर्थक्वेक था बलूचिस्तान का, 2007 का फ्लड था, फिर 2010 का फ्लड आया, 2011 में फिर फ्लड आया, और इवन इस कोविड के दौरान भी जलमक्सी में फ्लड आया और वाशुक के अंदर अर्थक्वेक आया, तो उसमें भी हमारी तंजीमें एक्टिव थी और उसमें हमने भी सपोर्ट दी। जैसे वाशुक के अंदर कोई 200 घर गिर गए थे अर्थक्वेक के अंदर, तो उसमें कोई 100 के करीब टेंट पीडीएम ने अरेंज किए थे, और हमें रिक्वेस्ट आई कि जी कोई 100 घराने ऐसे हैं जिन तक अब तक टेंट नहीं पहुंचा, तो वो भी हमने टेंट भी उनको प्रोवाइड किए। इस तरह जलमक्सी में जब ये फ्लड आया रिसेंटली, तो उसके अंदर हमने पका हुआ खाना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2007 से अब तक जितनी इमरजेंसी आई, कोविड के अंदर हमारी एक्सेस इंक्रीज हुई 7.6 मिलियन तक, लेकिन इससे पहले कोई 2.3 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको हमने मुख्तलिफ कैटास्ट्रोफीज के अंदर सर्व किया। और 2010 का जो फ्लड था जिसने तमाम प्रोविंसेस को हिट किया, बलूचिस्तान के 12 इजला अफेक्ट हुए उससे, उसमें जो 80% ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस था रिलीफ का और अर्ली रिकवरी का, वो थ्रू बीआरएसपी था 12 इजला के अंदर। तो अब चूंकि क्लाइमेट चेंज का भी इशू बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है, और उसके इफेक्ट जो है वो इन टर्म ऑफ डिजास्टर आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड हैं, अर्थक्वेक है, तो इसके लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तमाम इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बढ़ी है, पीडीएम में स्ट्रेंथन हुआ, इसी तरह बीसीओसी और एनसीओसी इस गवर्नमेंट ने फॉर्म की इस कोविड के अंदर,
तो अब आने वाले जो दिन है यकीनन क्लाइमेट चेंज के हवाले से डिजास्टर्स का ज्यादा चांसेस हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं टू क्लाइमेट चेंज। और उसमें खास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम सेमी डेजर्ट एरिया हैं, हमारे यहाँ पे वाटर डेफिशिएंट है, तो उसमें हमें क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें अपनी क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें लो डेल्टा क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें डिज़ास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक फ्लड आता है सैकड़ों घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। और फिर आप पता है कि बलूचिस्तान के अंदर हम ये जो छोटे लोन देते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट फ्री लोन भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं पीपीएफ के तवसुत से, इस तरह कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हम इन्वेस्ट करें, और उसमें हमेशा यही होता है कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये सक्सेसफुल नहीं रहती हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रोपेस्ट्रल है और उसका जो रिटर्न है वो सीजनल है, और जब एक कोई भी डिजास्टर आता है, चाहे वो ड्राउट हो, वो फ्लड हो, तो उससे यह है कि बहुत सारे माल मवेशी जो है वो मर जाते हैं और बहुत सारा लॉस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होता है, जिसकी वजह से ये रिटर्न जो है ये लोन का ये भी मुश्किल होता है, और इसमें लॉसेस हमेशा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, कोई प्रोग्राम फाइनेंशियल सर्विस का सक्सेसफुल नहीं चल सका। और उसकी मेन रीज़न यही है कि जो डिज़ास्टर है वो अफेक्ट करते हैं कम्यूनिटीज़ को, उनकी पे बैक कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पर चली जाती है। तो ये एक विशेष साइकिल है बेसिकली, कि हम एक तरफ कोशिश करते हैं, बाया साहब ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जो इस ग्रेजुएशन का प्रोग्राम हम इफ़ात का पीपीएफ के साथ मिलकर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर यकीनन हम हमारी कोशिश होती है कि उस फैमिलीज को हम ग्रेजुएट करें, लेकिन एक तरफ आप उनको ग्रेजुएट करते हैं और उसके साथ दूसरी तरफ कोई बड़ी बीमारी घर के अंदर आ जाती है, कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो दोबारा वो गुरबत के चंगल में फंस जाते हैं। तो हमें डिज़ास्टर प्रिवेंशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और जैसा मैंने पहले कहा कि हमें थोड़ा सा जो पॉलिसी लेवल की बातें हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है कि फेडरल लेवल के ऊपर भी पॉलिसी पर बड़ा काम हो रहा है, प्रोवेंशल लेवल के ऊपर ही, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको नीचे ले जाना पड़ेगा डाउन टू डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल लेवल, और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, और जैसे मैंने कहा कि मॉडल DDMAs फॉर्म करने की ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। जी शुक्रिया नादिर साहब। अबू बकर भुट्टा साहब का एक सवाल है कि और ये तो टेक्निकल सवाल है, शायद बाजवा साहब इसको रिस्पॉन्ड करें क्योंकि बाजवा साहब डॉक्टर भी हैं, कि अगर फर्स्ट फेज में किसी को कोरोना हो जाए और वो रिकवर हो जाए तो क्या मुमकिन है कि सेकंड फेज में भी हो, और इसके चांसेस क्या है? मुश्किल सा सवाल है जी बाजवा साहब। नहीं, मैं अपना वो पब्लिक हेल्थ का हैट पहन लेता हूँ, वो अगर एक दफ़ा हो जाए किसी को कोरोना और वो फिर उसके बाद वो नेगेटिव हो जाए, तो उसमें अब ये कहते हैं कि 5 से 6 माह कम से कम उनमें वो कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो आ जाती है, यानी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और ये बहुत कम हुआ है कि एक पहले फेज़ में किसी को अगर हो गया तो अब दूसरा हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने पढ़ा होगा कल की अखबार में कि वो कहते हैं कि एक नया म्यूटेंट म्यूटेशन हो गई है, वो वायरस की शक्ल ही बदल गई है, तो उस सूरत में अगर वो बिल्कुल वायरस बदल गया है तो फिर तो एक ख़तरा है, लेकिन ये कि अमूमी तौर पे ये कहा जा सकता है कि कोई ख़तरा नहीं होता है। एक दफ़ा ये जो हिफाजती टीका होगा जिसकी इम्यूनाइजेशन जो कि कोविड वैक्सीन है, उसका भी यही काम है कि वो एक उस जो जरसूमा है उसका एक हिस्सा लेके उसके अगेंस्ट वो ये कुव्वत मुदाफियत बढ़ाएंगे ताकि वो जिस्म को जो जिस्म है खुद ही उसको अटैक करके उसको ख़त्म कर दे। तो मुख्तसर जवाब ये है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं होगा। थैंक यू। ज़हीर जुनेजो साहब के दो सवाल है, एक तो ये है, जो दूसरा सवाल है कि व्हाट मेक्स आरएसपी यूनिक among all the participatory organizations with the participatory approach, and then there's a second part which is to do with, you know, how effective this whole mode of communication of virtual connectivity, I mean, how effective has this been in terms of working in communities over the past year? So रिक्वेस्ट ये है, मेरा ख्याल है तारिक साहब ये जो पूछ रहे हैं कि ये चूंकि इतना वर्चुअल काम हो रहा है
तो आप फील्ड लेवल से बताएं कि फील्ड लेवल पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, और शायद शबाना भी बता सकेंगी कि चूंकि हमारी तो मीटिंग्स ये जूम पे हैं, मगर हमें ये पता है कि फील्ड में तो काम हो रहा है, तो इस ये जो पूरा साल है इसका इम्पैक्ट आपके काम पे कितना हुआ है? हमारे मतलब एक तो यह है कि हम लोगों ने अपना फील्ड तो उस तरह से कम नहीं किया, हमारे फील्ड में उस तरह से नहीं है, पूरे SOPs मास्क लगा के और बाकी लोगों को भी मास्क की, क्योंकि यही हमने तरबियत भी यही देनी थी। इवन हमारा जो ऐसे हमारा नेटवर्क है सारा CEO VO और LSO, CEO की मीटिंग तो थोड़ी बहुत हुई है, मतलब वो भी फासले पे रख के हमने तकरीबन जारी रखी है। VO और LSO की मीटिंग बड़ी रेगुलर तरीके से हो रही है, और यही वजह है कि अभी तक हमारा यहाँ पे मतलब बाकी सारी एक्टिविटीज भी मुतासर तो हुई है, माइक्रो क्रेडिट भी थोड़ा बहुत मुतासर हुआ है, लेकिन रिकवरी हमारी ऑलमोस्ट 100% है और चीजें सारी ठीक चल रही है उस हिसाब से। तो इसमें हमने रब्ता पहले दिन से ही कम नहीं किया, हम लोग बल्कि ज्यादा गए हैं। हमारे ये जो फील्ड के लोग हैं स्पेशली मतलब स्टाफ भी और एक्टिविस्ट भी है सारे, आप शबाना से पूछें कि इन दिनों में कोरोना के दिनों में ये घर से ज्यादा निकली हैं, लेकिन वही मास्क लगा के पूरे SOPs को फॉलो करके, क्योंकि ये पेंडेमिक में इसको अगर काउंटर करना था और लोगों को भी साथ लेके चलना था, और तंजीम में भी माशाल्लाह जैसे हमने कहा है कि वो उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, हमारी तवक्को से ज्यादा अच्छा था, कि वो हमारे इस हमारे कहने पे उन्होंने जो अगर पहले से रेगुलर मीटिंग भी नहीं करी उन्होंने भी रेगुलर मीटिंग की, फासले पे बिठा के हमने उनकी रेगुलर मीटिंग की, VOs की भी LSO की भी और किसी हद तक CEOs की भी वहां पे मीटिंग हुई है, और एक्टिविटीज थोड़ा ये जो मुतासर हुई है अगर आप हम देखें तो हमारा वाइस का प्रोग्राम जो है वो वैसे का वैसे ही चल रहा है, क्योंकि हमारा उसमें है ही जो हेल्थ के हमारे सेशन है उसमें हमारा ये प्रोग्राम ये है कि हम एक 100% कवरेज है, कारपेट कवरेज है, और कारपेट कवरेज में हमने मोहल्ले में बैठ के अगर उसमें घराने हैं तो हम हर घराने से एक हलफनामा साइन करवाना होता है, और उस घराने से एक खातून ने जरूर आना होता है जिसमें उनको बैठ के तो वाइस की एक्टिविटी के मुताबिक के बारे में हम लोग उन्हें बताना होता है, और वो हमारे रिसोर्स पर्सन भी वहां पे जाते हैं। शबाना आपको बताएंगी कि इवन इस वक्त दौर में भी इस वक्त में भी स्पेशली लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और लोगों ने हमें सुना है और लोगों ने सुन के फिर उस पर पूरी मतलब उन एहतियातों पर पूरा अमल किया है। ये जो SOPs की बात बार बार शबाना बता रही है वो यही है कि लोगों ने अपनी एहतियाती तदाबीर के साथ अपना काम जारी रखा है। जो हमारा थोड़ा बहुत काम मुतासर हुआ है वो अगर आप देखें तो सिर्फ माइक्रो क्रेडिट में, वो भी सिर्फ कारोबारी सरमाया या बड़े कारोबार जो थे ना वो रुके हैं, जो गांव की सतह पे एक्टिविटी है गाय भैंस और दूध बेचने का काम या दूसरा काम वो भी ऑलमोस्ट चलता रहा है, और इसी वजह से हम आप सर भी इस पर करेंगे कि हमारी रिकवरी रेट भी ऑलमोस्ट 100% है, और हमारे वाइज में जो हमारे सेशन प्रोग्राम है वो भी हमारे टारगेट के मुताबिक चल रहा है और लोग उन सेशन में आगे सुन रहे हैं और चल रहे हैं। इसमें मैं भी शानदार ऐड कर लूँ कि नॉर्मली हम जैसे इदारे जो हैं लोगों की तवक्कात होती हैं, हम कम्युनिटी के अंदर बैठे होते हैं, हर गांव के अंदर हमारी प्रेजेंस होती है, तो जब भी कोई नेचुरल कैटास्ट्रफी आती है तो यकीनन लोग सबसे पहले हमें देखते हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं इस कैटास्ट्रफी को एड्रेस करने के लिए। तो इसीलिए मैंने जैसे बताया कि 26 फरवरी को जब पहला एक सस्पेक्टेड केस चागी के अंदर आया, जब जायरीन का सिलसिला शुरू हुआ, तो हमने उसी वक्त अपना ये सारा ऑपरेशन पूरा डिजाइन करके और हमने इसको लॉन्च किया, और फिर यह कि जैसे मैंने पहले कहा कि अपार्ट फ्रॉम जो अवेयरनेस रेजिंग थी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के ऊपर काम करना था, उसके साथ साथ जो इसके माशी असरात थे कोविड के लोगों के ऊपर लॉकडाउन की वजह से, उसमें जो हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल थी जैसे इनकम जनरेटिंग ग्रांट्स जो पूरे हाउस होल्ड को हम देते हैं, तो उस मद में हमने पिछले साल जो जून में हमारा साल क्लोज हुआ है फिस्कल ईयर, हमने कोई 440 मिलियन डिसबर्स किया इस दौरान, क्योंकि ये ऐसा क्रिटिकल टाइम होता है, इसमें लोगों को कैश की भी जरूरत होती है, इसमें लोगों को सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम था वो बिल्कुल बल्कि नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा मैन आवर्स हमने काम किया, और जैसे मैंने पहले बताया कि 3995 लोग ओवरऑल इस पूरे ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व थे,
और दूसरा ये कि जो हमारा अपना इसको अगर हम फाइनेंशियल टर्म में देखें तो जो हमारा पोर्टफोलियो था पिछले साल का 2019-20 का जो जून में कंप्लीट हुआ, हमने कोई 2 बिलियन के करीब ओवरऑल फंड यूटिलाइज किए जो कि 81% हमारे टोटल पोर्टफोलियो का था। तो इसलिए हमारा काम जो है उस तरीके से अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारा कम्युनिटी लेवल का काम है उसमें। दूसरा ये था कि हमें गवर्नमेंट ने स्पेशल परमिशन दी 26 फरवरी को, हमने जब रिक्वेस्ट की अथॉरिटीज को तो उन्होंने बाकायदा हमें पासिस इशू किए कि जहाँ पे बहुत सख्त लॉकडाउन भी था, एरिया कॉर्डन ऑफ भी थे, तो वहाँ पे भी हमारी टीमें बिल्कुल फ्री मूव कर रही थी और हुकूमत ने हमें स्पेशल इजाज़त दी थी कि जिस तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, हेल्थ प्रोफेशनल काम कर रहे थे, तो कम्युनिटी लेवल के ऊपर RSPs को खासतौर पर मैं अपना जिक्र करूँगा, BRSP को गवर्नमेंट ने तमाम अजला के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने नोटिफाई किया कि BRSP की टीम फ्री मूव कर सकती है टू कॉम्प्लीमेंट एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें एक और चीज़ बड़ा अच्छा रहा कि ये जो हमने हैंड वॉशिंग प्लेसेस का काम शुरू किया कोई 550 लोकेशन के ऊपर, इसमें एक चैलेंज सस्टेनेबिलिटी का था कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर तो कम्युनिटी सस्टेन कर लेती है लेकिन क्वारंटीन सेंटर हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज जो फंक्शनल थी जहाँ पे ये कोविड के हाल से ट्रीटमेंट चल रही थी या टेस्टिंग हो रही थी या जो हमारी मार्केट प्लेसेस थी जहाँ पे ज़्यादा लोगों का रश होता है, इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया और ये जितनी हैंड वॉशिंग प्लेसेस हमने इंस्टॉल की थी इसकी जो फिलिंग है इसके अंदर साबुन का और इसके अंदर जो हैंड वॉशिंग प्लेसेस, ये सारे का सारा मैनेजमेंट जो है वो FC लेवीज पुलिस जहाँ है क्योंकि ये हर जगह पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, तो इनकी भी जो खिदमात है वो लायक तहसीन है। और मुख्तसरन मैं यही कहूँगा कि इसमें कोविड ने जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो उसमें जो हमारी टीमें होती हैं, हमारी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो फ्रंट लाइन वर्कर बन जाते हैं हुकूमत के एफर्ट्स कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस इमरजेंसी ने भी हमें काम से नहीं रोका और हमने कोई इकदाम वो वाले नहीं उठाए, SOPs हमने यकीनन फॉलो की लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम वाला सिलसिला हमने नहीं किया इसलिए कि हम ग्राउंड पे काम करते और ये वर्क फ्रॉम होम जो है वो ग्राउंड पे नहीं हो सकता। शुक्रिया, थैंक यू। दो सवाल है जो रिलेटेड है साइको सोशल इम्पैक्ट से और उनमें से उस्मा राजा साहिबा है जो स्पेसिफिकली पूछ रही है कि मेंटल हेल्थ ड्यू टू सोशल चेंजेस, बट शी सेइंग स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड मिडिल एंड लोअर क्लास, तो हम ये तो कह सकते हैं उज़मा साहिबा कि हमने एक रैपिड असेसमेंट की थी, I'll put up the file here in the chat box, I think I can put files, and in that rapid, no, I'm afraid I can't share files, अगर आप email मुझे भेज दें, I'll put my email down here, if you write to me, I can send you, I've just sent my email, now, we did a rapid assessment, and in that rapid assessment, we found that the social impacts were quite serious. I mean, I think we are all, you know, somehow to some extent suffering the social impacts. But when labor from cities went back, jab jo mazdoor the jo bade bade shaharon mein the wo lockdown ke dauran wo wapas chale gaye gaon mein, to udhar khawateen ka jo workload tha wo increase hua kafi jagahon mein, jo pani lane ka kaam tha agar pani ghar mein nahi tha तो बच्चियों का और खवातीन का वर्कलोड काफी इंक्रीज हुआ है, लड़ाई झगड़े काफी इंक्रीज हुए हैं कुछ जगहों में। अब हमारे पास ये सॉलिड डेटा इस पे नहीं है बट दिस इज एनेक्डोटल, कुछ जगहों में हमें खबर ये भी आई है कि शायद लड़कियां जो है वो कुछ उनकी तादाद जो है वो स्कूलों से ड्रॉप आउट भी हो जाए, वो तो खैर स्कूल उस वक्त बंद भी थे और अभी भी अटेंडेंस कोई रेगुलर नहीं है। तो उसके अलावा इन यू नो इंक्रीज जनरल इंक्रीज स्ट्रेस का इंक्रीज और इन चीजों का इंक्रीज ये तो अक्रॉस द बोर्ड ये हुआ है। साइको सोशल काउंसलिंग मेरा तो ख्याल है नादिर साहब या बाजवा साहब बता सकेंगे, मुझे तो नहीं पता कि हमारे प्रोग्रामों में इस वक्त कोई साइको सोशल काउंसलिंग है रिलेटेड टू कोविड। बाजवा साहब वुड यू लाइक टू आंसर दिस, आप म्यूट पे हैं जी। जी इस वक्त ये जो साइको सोशल है ये एक्चुअली द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी ब्रॉड, यू नो इट कैन मीन एनीथिंग, आई मीन यू टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी एंड यू टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी, लेकिन अभी साइको सोशल काउंसलिंग करने के लिए तो सबसे पहले तो ये है कि यू हैव टू टारगेट पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड साइकोलॉजिकली एंड सोशली, तो अभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रॉड यू नो कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ and you need to have people in front of you if you want to do a counseling, and then there are specialized people, you can't do it, mere jaisa banda
जो कि इवन जिसकी मेडिकल बैकग्राउंड भी है, आई कांट डू दैट, यू नीड साइकोलॉजिस्ट टू डू दैट, वो हमारे पास नहीं है. वी प्लीज रिमेंबर दैट वी आर अ डेवलपमेंट एजेंसी, वी डोंट डू काउंसलिंग. तो ये काम अनफॉर्चुनेटली अभी हमने शुरू नहीं किया. इसमें मैं ऐड कर दूं जी कि इसमें हमें थोड़ी सपोर्ट मिली थी यूएनएसपीए की जानिब से, और चार जिला के अंदर हमने साइकोलॉजिस्ट हायर किए, और ये पार्टिकुलरली जो खवातीन के इश्यूज हैं, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस के हों, बाकी जो इश्यूज साइकोलॉजिकल आते हैं, तो उस हवाले से वो काउंसलर्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं कुछ चार जिला के अंदर, और वो ये सपोर्ट प्रोवाइड करें. तो इट्स अ इनिशिएटिव जो कि हमने पिछले 2-3 महीने पहले लिया था, और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी होते हैं जिसमें पार्टिकुलरली ख़वातीन को, बच्चों को ज़रूरत होती है साइको सोशल सपोर्ट की. तो ये एक एरिया है जिसमें मेरा ख्याल है कि हमें आरएसपी को मज़ीद थोड़ा सा अपने इस कॉम्पोनेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. लेकिन यस, वी आर डूइंग वर्क ऑन साइको सोशल सपोर्ट आल्सो. ओके, शबाना बीबी आप कुछ कहना चाह रही थी? शायद ये पहला जो सवाल था कि इसके जो मतलब पता नहीं लफ्ज क्या है, नफसियाती असरात है कि क्या है, क्योंकि काफी डिस्टर्बेंस हुई है, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी कि कम्युनिटी में क्या आपका तजुर्बा रहा है? आप म्यूट पे है, ये म्यूट अनम्यूट कर दें तो फिर वो होगा. हाँ ठीक है, अब बोलिए जी. जी मैडम, हमारा ये था कि हमने खवातीन को जो है वो हमारा, क्योंकि कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट रब्ता होता है ना, तो हमने सीआईएफ के हवाले से, हमारा पहले ही प्रोग्राम चल रहा था ना, तो उसमें हमने खवातीन के सीआईएफ जो है वो बढ़ा के उनको मसरूफ कर दिया उसने ना, छोटे मोटे कारोबार उनको दिए, वो करनी है अपने साथ, कारोबार भी करनी है साथ, घर भी देखनी है. खवातीन जो है वो इसमें काम कर रही है मसरूफ, सीआईएफ के हवाले से जो है वो उनको ट्रेनिंग तो पहले से हमने दी हुई थी, उनको पता था, और जो उन्होंने कारोबार शुरू किया उनको फायदा भी हो रहा है, घर भी चला रही है, बच्चे भी साथ को जो है वो. तो सवाल सवाल उस प्रोग्राम के बारे में नहीं था, सवाल ये था कि कोविड के जो नफसियाती जो असरात हुए हैं घर के सतह पे फर्ज करें, तो काफी वो हुए होंगे ना, जहाँ पे लोग बीमार है या जहाँ पे खुदा ना खास्ता फौत हुए हैं. तो सवाल ये था कि अगर आप एक्टिविस्ट हैं तो इस किस्म की बातें लोग आपसे करते हैं कि हमारे ऊपर कितना स्ट्रेस है और हम इसके बारे में क्या करें, इस पे कुछ गुफ्तगू होती है? मैडम घर में घरेलू सतह पे तो होता है, लोग डिस्टर्ब तो हो जाते हैं, वो उनको ज्यादा ये होता है कि माइंड में कि शायद ये हम सब इसमें कोविड में फंसे हुए हैं, वो डेथ हो जाए या किसी वजह से कोई किसी में सिम्टम्स हो, तो पहले तो लोग हो जाते थे घरेलू सतह पे, लेकिन अब ये है कि अवेयरनेस ज्यादा हुई है लोग इस वजह, पहले जिस तरह थे, पहले जब कोरोना शुरू हुआ था वो हालात जो थे वो ज्यादा थे लोगों के अंदर, वो ज्यादा माइंड उनका खराब था, लेकिन अब जो दोबारा वबा शुरू हुई लोगों में अवेयरनेस है, पहले से मौजूद है, लेकिन लोग उस पे एसओपी पे सख्ती से अमल कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके माइंड में कोई ऐसी बात हो. मैं हैरान हूँ कि आप कह रही हैं सख्ती से अमल कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में सख्ती से अमल नहीं हो रहा है, तो ये रूरल में कैसे हो रहा है? मैडम आप रूरल में ये है कि अवेयरनेस है ना लोगों में, जो है एसओपी पे सख्ती से अमल किया जा रहा है. आप शायद देख सकती हैं कि हमारे इलाके में केसेस भी इसी वजह से कम हुए हैं कि लोग पहले से अवेयरनेस है उनके पास और अमल भी कर रहे हैं. तो नहीं, आपके इलाके में गांव में 100% लोग मास्क पहन रहे हैं? जी मैडम, और बकायदा हम 15-15 घरों में रोजाना का हमारा विजिट होता है, हम लोग जाते हैं रूरल एरिया में, हमारा 3 एक्टिविस्ट हम काम कर रहे हैं, हमारा 300 हाउस होल्ड भी हमारा एक मंथ का होता है, हम 15-15 घराने हमने डिवाइड करते हैं, 15 घरानों में जाते हैं, हम उनको अवेयरनेस देते हैं मास्क के इस्तेमाल के बारे में बताते हैं, और लोग बकायदा बाहर जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं, सामाजिक फासला रखते हैं, बकायदा हम शॉप्स का भी विजिट करते हैं, जाके देखते हैं, रोजाना हमारा ये होता है. हम जाके तो यही है, ये जो पूछ रहे हैं डॉक्टर मोहसिन के हाउ टू एजुकेट रूरल कम्युनिटीज इन माउंटेनस एरियाज वेयर देयर इज नो, जहां पे सेलफोन नहीं है, जहां पे एक्सेस नहीं है. तो डॉक्टर साहब, जैसे शबाना है तो ऐसे हजारों खवातीन हैं और मर्द हैं जो फिजिकली जाके इन कम्युनिटीज में, जैसे अब आपने सुना कि कैसे, ठीक है शायद महदूद इलाके में हो रहा है, मगर यहाँ पे वो सेटिस्फाइड है कि एसओपीज फॉलो हो रहे हैं. तो हमारा तो तरीकेकार यही है
बल्कि हम ये मोबाइल और इस चीज में काफी वीक हैं, ये वीक एंड इसमें हम हमें थोड़ा काम करने की जरूरत है कि मोबाइल्स पे मैसेजेस और चीजें भेजना जो हम कुछ हद तक करते हैं। तो एक्चुअली तो ये जो है तंजीमों के नुमाइंदे हैं जो लोगों ने खुद इनको मुंतखब किया है और इनकी ट्रेनिंग आरएसपी करके, तो ये फिजिकली जाके मीटिंग्स में बैठ के ये बातें लोगों के साथ करते हैं। ये अभी कोई नई बात नहीं है कि कोविड के दौरान हुआ है, ये तो 35 साल से जो अप्रोच है आरएसपी का और जो वो चलता आ रहा है, तो यही तरीकेकार है। ये जो प्रोग्राम काम करते हैं यही इनका मैडम, तरीका है। इसीलिए हमारी पहले ग्रुप में मीटिंग होती थी ना, तो हम जो आप जो मीटिंग्स करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा जब जरूरी होती है तो हम एसओपीस को फॉलो करते हुए समाजी पास आ रहा के हम करते हैं, लेकिन डोर टू डोर जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हम ज्यादा बेहतर तौर पर हम कहते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है। हम घर घर जाके जब हम एसओपीस पे अमल करवाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह के माएं भी जो है वो इस पे अमल करें, अनपढ़ लोग जो है बहुत ज्यादा हमारे साथ वो भी कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जब हम कम्युनिटी को उनकी माइंड के मुताबिक जब हम उनके घर जाके उनको बताते हैं तो हमें जाहिर है हमें काम उस तरह करना होता है जिस तरह लोग चाह रहे होते हैं, हमें उनको अच्छा, उस आपके लिए, उनकी आपके लिए एक और सवाल है। उज्मा राजा साहिबा कह रही हैं कि चूंकि आप देखें आप ये अकेले ये काम करें, ये कह रही है कि अगर खवातीन इस प्रोग्राम में शामिल हैं जैसे आप हैं, तो उनके जो मेल पार्टनर हैं, उनके खावंद हैं या उनके भाई भी हो या बाप हो, उनका शामिल होना जरूरी है, क्योंकि खवातीन को अकेले में ये काम करना ये मुश्किल होता है। तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में? मेरे ख्याल से तो शामिल मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ, तो वो बहुत ताउन कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरे भाई भी हैं और जो हमारे गांव के मेंबर हैं वो भी हैं। हमने सबसे मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था शुरू में, शायद आपको याद है कि हमने कमेटी बनाई थी, सबसे पहले हमने बनाई थी, तो उस तरह हमारे साथ सब कोऑपरेट हैं। तो हम स्कूल की सतह पे भी हमने कमेटी बनाई हुई है, हमने गांव की सतह पे भी बनाई हुई है, उसी तरह कड़ी से कड़ी मिला के उसी तरह हम चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप भाई इवन के मेरे ससुर जो है वो 70 साल से बाद उनकी उम्र है वो भी इसमें शामिल है हमारे साथ, और हमारे गांव के मुअज्जिन हम लोग मीटिंग्स करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज है, हम इसी तरह जा रहे हैं साथ साथ। शुक्रिया जी बहुत। जी डॉक्टर साहब, क्वेश्चन डॉक्टर परवेज ताहिर, आई थिंक कैन आई हैंड ओवर टू यू एट दिस स्टेज? एक क्वेश्चन है मैम, अगर परमिशन देता हूँ। हेलो जी, वालेकुम जी सलाम। गाना, क्वेश्चन है सर, अगर मैम अगर आप परमिशन दें तो। जी, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग डॉक्टर परवेज ताहिर टू हैंड ओवर, आई जस्ट हैव अ बिट ऑफ एन इमरजेंसी कॉल, सॉरी। ये नादर साहब से और मैं बाजवा साहब यकीन पूछना चाहूंगा कि यकीनन बहुत आरएसपीएन ने बहुत जबरदस्त बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त काम है, लेकिन जस्ट मैं ये पूछना चाहूंगा कि बलूचिस्तान में जितनी एक्टिविटीज इन्होंने की हैं कोविड के दौरान, किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, और सेम इसी तरह बाजवा साहब काइंडली आप अगर बता देंगे नेशनल लेवल पे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि आरएसपीएन जो है वो फेस कर रहे हैं। थैंक यू। जी नागर साहब, जी चैलेंजेस तो देखें जी बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि जब ये कोविड आया तो किसी को समझ नहीं आ रही थी कि यह है क्या, इस पेंडेमिक से कैसे बचा जा सकता है। तो उस पर फिर यही जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का जो आया, इसके ऊपर हमने काम शुरू, फिर जब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें भी अगेन यही परेशानी थी कि जी टीमें कैसे मूव करें और किस तरीके से हम अप्रोच करें। तो उसमें फिर हमने गवर्नमेंट से रابطہ किया और फिर उसकी एनओसी हमें मिली और हमने फिर काम शुरू किया। और फिर जो तीसरा चैलेंज था वो यही था कि ये जो इसके इकोनॉमिक इफेक्ट थे लॉकडाउन के, कि उससे कैसे निपटा जाए। और उसमें यकीन जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो भी ग्रांट अवेलेबल थी कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमने वो रिलीज की इमिजिएटली। और फिर एहसास प्रोग्राम जो था उसके हवाले से हमारी तंजीमों ने जो लिंकेज के जरिए जो भी गरीब लोग थे उनको लिंक किया एहसास प्रोग्राम के साथ। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें अगेन हमारी तंजीमें जो है उन्होंने जो मुस्तहिक लोग थे उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड की। तो ये चैलेंज भी रहा हमें। और फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा वो था टेस्टिंग का, कि टेस्टिंग का दैट स्टिल रिमेन्स अ चैलेंज रूरल एरियाज के अंदर। और उसमें फिर यही था कि जो जो भी
सस्पेक्ट केस मिलता तो उसको फिर कोयटा रेफर करते। उसमें यकीनन इंतजामिया की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उसकी ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट जो है वो सारी इंतजामिया कर रही थी, और फिर कोयटा लाके उनकी टेस्टिंग करके और फिर दोबारा उनको वापस भेज रहे, और फिर साथ ट्रेसिंग भी होती थी कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो उसमें कोई इफेक्ट तो नहीं है। तो ये चंद चैलेंजेस थे जो कि मैं समझता हूँ कि इस कोविड के दौरान आए हैं। और अब जो आगे सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि जो वैक्सीनेशन है वो किस तरीके से पाकिस्तान उस पर यकीनन काम हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान का NIH जो है वो मिलके काम कर रहे चाइनीज साथ भी, और जो वैक्सीन है उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। लेकिन जो अगला मरहला है वो यही है कि किस तरीके से इसका जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वैक्सीन का, और फिर ये दूर दराज इलाकों में गाँव तक किस तरीके से हम पहुँचाएंगे, दैट स्टिल रिमेन्स अ चैलेंज। और एक जो बड़ा चैलेंज हमेशा होता है कि जब ये कैटेस्ट्रफी आती है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि जो नीड होती है लोगों की वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो सपोर्ट अवेलेबल होती है वो बहुत कम होती है। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा है कि जो मॉडल DDMA का कॉन्सेप्ट अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि हमारे पास वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, उसके अंदर ग्रुप्स बने हों कम्युनिटी के जो कि इमीडिएटली, क्योंकि नॉर्मली जब भी होता है DDMA को जो इंचार्ज है डिप्टी कमिश्नर होता है और जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो उनके जरिए चैनल होते हैं, तो इमीडिएटली DDMA और कम्युनिटी जो है वो आपस में बैठ के और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ रिलीफ आइटम की उसके ऊपर काम करें। और उससे एक स्टेप पहले मैं समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ डिजास्टर हैं उनकी प्रिवेंशन पे काम करने की ज़रूरत है। अब जैसे फ्लड एक रेगुलर फिनोमेना बन चुका है, तो उसके लिए यह कि जो डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम किया जाए, CBDRM के ऊपर काम किया जाए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर काम किया जाए, क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेशन पे काम किया जाए, तो ये फ्यूचर में भी यही चैलेंजेस रहेंगे और ये माजी में भी यही चैलेंजेस हम कन्फ्रंट करते रहेंगे। जी जो नादिर साहब कह रहे हैं ये सारे चैलेंजेस दुरुस्त हैं, लेकिन मैं सिर्फ तवज्जो ये दिलवाऊंगा आपको कि ये तो मुल्क ही पूरा चैलेंजेस है। हमारे जो गरीब मुल्क हैं इनमें चैलेंज ही चैलेंज होते हैं, और ये कहना कि जी ये चैलेंज एक स्पेसिफिक चैलेंज है वो तो है ही नहीं, नादिर ने कुछ चैलेंजेस का हवाला दे दिए। लेकिन जो अहम चीज़ ये है कि आप ये देखें कि ये जो NCOC का जो स्ट्रक्चर बनाया है इसकी तरफ गौर करने की ज़रूरत है। जब आप अगर आप में से किसी ने वो NCOC गए हों, उनकी मीटिंग अटेंड की हो, तो वहाँ उन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी की बात अभी हो रही थी कनेक्टिविटी की, कि वहाँ चारों चीफ सेक्रेटरीज बल्कि चीफ मिनिस्टर कैबिनेट्स जो डिस्कशन होती थी ना वो डायरेक्ट हो रही होती थी। और चूंकि वहाँ मिसाल के तौर पे अगर किसी सूबे से बात करनी है तो चीफ सेक्रेटरी है, तो फिर वो सारे डिप्टी कमिश्नर नीचे आ गए, वो सारे के सारे कनेक्टेड होते थे। तो ये जो डिसीजन मेकिंग थी ना जो टेक्नोलॉजी की वजह से आसान होगी, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, यानी ये पॉसिबल ही नहीं था कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस हम ऑनलाइन कर सकते हैं, जूम की वजह से हो गया, इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त बहाना ख़त्म हो गया है पॉलिसी मेकर्स के बाद कि जनाब हम ये नहीं कर सकते गुरबत के लिए हम दूने, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब सिर्फ जो बहाना वो है सिर्फ एक जो जिसको कहते थे ना अख्तर हमीद खान साहब और शुएब साहब, साइकोलॉजिकल बैरियर है कि क्या हमने ये काम करना है या नहीं करना। आपको मैं यकीन दिलवाता हूँ कि हम वी आर एट अ पॉइंट कि जो हम जिसको अगर हम इससे बियॉन्ड जाएं तो हम बहुत काम कर सकते हैं दही इलाके में, चाहे वो कोरोना के अगेंस्ट हो, चाहे वो फ्यूचर डिजास्टर्स हो या नॉर्मल डेवलपमेंट हो, जैसे जो SDGs की मैंने बात की थी। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें ना तो कोई ज़्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, अभी विलिंगनेस की कमी है, और ये कहना कि और ये एक्सेप्ट करना कि ये जो तंजीमें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हैं रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं ये वाकई रियलिटी हैं और इनके साथ हम काम करने को तैयार हैं। अगर ये साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे कि NCOC में हुआ ये अगर हम ब्रेक कर जाएं, तो मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि यू नो वी कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आखिरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये काम इसके जो है ना री इन्वेंटिंग द व्हील, ये हमें बड़ा शौक है करने का। हर काम जो है ना उसके लिए हम नई एक पॉलिसी बना लेते हैं और पिछली को भूल जाते हैं, एंड परवेज यू वुड नो इट बेटर देन मी
कि वो बनती जाती हैं और फिर वो अलमारियों की वो जीनत हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो है, जो काम है इस वक्त जो मौजूद है, इसको लिया जाए और फाइनली अब ये तय किया जाए कि चलें जी काम शुरू तो करें, फिर देखेंगे बाद में क्या होगा। ये वैसे ही है जैसे आपने, अगर आप एग्जांपल दें जनूबी कोरिया की, जो सैमुअल लुंडोंग का जो केस स्टडी है, वो पढ़नी चाहिए लोगों को कि कैसे पॉलिटिकल, अगर हाईएस्ट लेवल पे अगर पॉलिटिकल विल हो तो ट्रांसफॉर्म हो सकती है सोसाइटी। तो मेरा जो तजर्बा इतने सालों का जो मैं काम करता रहा, मेरे लिए तो बड़ा क्लियर रोड मैप मुझे नज़र आता है कि अगर इसमें, अगर जो कमी है वो ये है कनेक्शन बिटवीन द पॉलिसी मेकर एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक अस। एक सवाल अभी शंदाना का किसी ने किया था कि जी व्हाई इज इट कि जी ये जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं ये और बाकी जो तंजीम है उनमें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं इन इनमें ज़्यादातर ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि ये डोनर पे डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान में मुश्किल ये है कि जो तंजीमत, जो बेचारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है डोनर पे। तो जब वो डोनर चला जाता है तो जो उनका काम होता है वो भी साथ ही उसका भी वो बिस्तर गोल हो जाता है। रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स का जो फ़र्क मेरे हिसाब से ये है कि हम उस तरफ हमारी तवज्जो रहती है और उसके लिए हमने अपने स्ट्रक्चर ऐसे बनाए हुए हैं कि हम डोनर के, ठीक है डोनर आ जाए तो वो हमको इनकार थोड़ी करते हैं, लेकिन ये है कि हम डोनर डिपेंडेंट नहीं हैं, जिसकी वजह से ये जो तंजीमें हैं वो भी हरी भरी हैं और चलती रहेंगी। तो ये फर्क है मेरा ख्याल था, मैं बता दूं। थैंक यू राशिद। डिपेंडेंस जो होती है वो साइकोलॉजिकल भी होती है, तो वही बैरियर वाली बात है। मैं देख रहा हूँ कि अबू बकर भुट्टा साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है, वो कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं। अबू बकर भुट्टा साहब, इन्होंने डॉक्टर साहब, एक तो ही इज थैंकिंग द पैनलिस्ट्स एंड ही इज थैंकिंग स्पेसिफिकली बाजवा साहब। ही हैज आल्सो आस्क्ड अदर क्वेश्चंस फर्दर अप, लेट मी जस्ट सी। What is the most important thing we can all do to break the chain of infection of COVID virus? ये फिर से, it's a bit of a technical question. मेरा तो ख्याल है कि देखें, breaking the chain is all these SOPs that we are being told about. I mean, I don't see what else one can do, because this comes down to the household level. One person is infected, I think one has to right away say that I will not now go near anybody else. So for example, I went to the hospital yesterday, that person turned out to be infected. I am now shut in my room. My dishes are separate. I mean, these are the difficult social things. People say, nahi, kuch nahi hota, idhar aa jao, udhar baith jao. You have to have a very clear SOP that this is what you do and this is what you don't do. But I think the key thing, Abu Bakar Sahab, on the side of our work has been that, and this has been mentioned before, ke rural areas mein testing ना होने के बराबर है। और आप देखें ये जो टेस्टिंग की फिगर्स है, आई एम सॉरी दीज फिगर्स आर पैथेटिक फिगर्स, 43,000-45,000 इन अ पॉपुलेशन ऑफ यू नो ओवर 200 मिलियन एंड मोस्ट ऑफ दीज आर द टेस्ट दैट प्राइवेट पीपल लाइक मी हैव डन। हु इज गोइंग टू पे ऑल दिस मनी टू डू दीज टेस्ट? सो आई थिंक दैट वी रियली डोंट नो द एक्सटेंट ऑफ इट। यू नो सम पीपल से इट्स 10 टाइम्स दिस अमाउंट, सम पीपल से इट्स 20 टाइम्स दिस अमाउंट। सो दिस हैज रियली बीन यू नो the big challenge. So unless you really know the reality, cities mein to ho raha hai, Islamabad mein to zabardast wo kaam kar rahe hain, wo door to door visits bhi kar rahe the, wo micro lockdowns bhi kar rahe hain, and this is how they try to break the chain, but rural has been a big issue. Thank you. Any other question? Somebody had a question on the lockdown and this whole corona, you know, this pandemic phase. This has impacted the programs of other, you know, disease control, jaise polio hai. So, I mean, yes, that has happened. The polio campaign, as you know, has restarted. But yes, this has impacted that very seriously. And that is a challenge in itself. And I think the next challenge is that, inshallah, jab ye vaccine निकलेगी तो
इसकी क्या आउटरीच होगी, क्योंकि आप तो वैसे भी देख रहे हैं कि हेल्थ की आउटरीच कमजोर है और वैक्सीनेशन की आउटरीच कुछ जगहों में बहुत कमजोर है, तो इसको भी देखना है कि कितनी अफोर्डेबल होगी, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं तो इसको अगर अफोर्डेबल ना बनाया जाए। और फिर इसके मेरा ख्याल है कोल्ड चेन के भी बहुत इस वक्त कंडीशंस हैं कि इसी टेम्परेचर में इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ सालों तक अगर लोग चाहें भी कि रूरल एरियाज में ये वैक्सीन इफेक्टिवली फैल सकती है। आई डोंट नो कि मेरे कॉलीग्स जो हैं उनका उनकी क्या राय है इस पे। अगेन इफ आई पुट इन माय मेडिकल हैट, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में ये जो वैक्सीन शुरू हुई है इसकी प्रायोरिटीज उन्होंने तय की हैं, वो प्रायोरिटीज हमें भी शायद देखनी पड़ेंगी। पहली प्रायोरिटी ये है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन लगनी चाहिए, ताकि कम से कम वो तो बीमार ना हो, अगर कोई बीमार का इलाज करना हो तो वो आसानी से कर सकें। दूसरा फिर वो टीयर्ड हैं उसके जो एज के, तो वो कहते हैं जी 65 साल या उसके ऊपर के जो लोग हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं उनको ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें कोई अर्बन और रूरल डिवाइड नहीं होना चाहिए, जो असल मसला है ये मसला ये है कि हम ये तो कहेंगे अगर ये दो प्रायोरिटीज हम देख लें, और तीसरी फिर ये है कि प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस, यानी जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको ये शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं, इस किस्म के जो लोग हैं उनको वो पहले वल्नरेबल ज्यादा हैं। और अगर आप देखें ना डेथ रेट जो है पाकिस्तान में भी वो भी यही है, 65 प्लस के ज्यादा लोग हैं जो डेथ रेट में जा रहे हैं जो वल्नरेबल हैं वो। तो अब उसमें जो चैलेंज वो ये होगा कि चूंकि ये कोल्ड चेन को मेंटेन करना पड़ेगा, जो नई वैक्सीन है वो तो हम ले ही नहीं सकते बाय द वे, ये जो फाइजर की या मॉडर्ना की आई, क्योंकि ये तो -40 डिग्रीज के लिए आपको बहुत एक खास किस्म की बर्फ चाहिए जिसको ड्राई आइस कहते हैं, वो हमारे मुल्क में नहीं मौजूद है। हमें चाहिए वो दूसरी जो वैक्सीन आएगी जो चीन वाली है या जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है, वो ऑस्ट्रोजेनका वाली जो वैक्सीन है, वो उसमें अभी थोड़ी सी डिले है, वो शायद आ जाए जनवरी के अंदर। उसमें वो उसी तरह कोल्ड चेन होगी जैसे पोलियो की या दूसरी तीसरी कोल्ड चेन होती हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये कहना कि ये जो वैक्सीन है ये पहुंच जाए हर जगह पे, ये इतना फीजिबल नहीं होगा। हाँ, ऐसे लोग जो वल्नरेबल हों उनको जो शहरों के इलाकों में उनको लाया जाए और वो वहां वैक्सीन ले। अब उसको करने के लिए उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे वो लोग आएंगे, ये बातें जो है ना वो अहम है। खतरा ये है कि कहीं ये वैक्सीन की कोल्ड चेन, चूंकि हमारे मुल्क में हम ज्यादा केयरफुल नहीं रहते ये कोल्ड चेन के ऊपर, वो अगर टूट गई तो पैसे भी जाया और उल्टा पानी लग जाएगा वैक्सीन की जगह पे, तो फायदा तो किसी का ना हुआ, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मेरी ओपिनियन ये है कि जो बड़े शहर हैं जिस तरह प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं या जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, पहले जाहिर है प्रोविंशियल कैपिटल्स उन पे, फिर डिविजनल हेडक्वार्टर्स, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऐसे पहुंची जाए। ये इसकी तकसीम जो है वैसे नहीं हो सकती कि जैसे वो पोलियो वाली जो वो जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स है वो पोलियो के कतरे पिलाती फिरती, ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक खास स्पेशलाइज्ड केयर चाहिए ताकि वो कोल्ड चेन टूटे ना। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। शुक्रिया Sir, we have only 3 to 4 minutes to conclude this session. Okay. आखिर में तो सबका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और जो मैं कहना चाहूँगा, राशिद ने ये कहा कि यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो काम हो रहा होता है उसको छोड़ के आगे चल पड़ते हैं, नई चीज़ें, नए प्रोग्राम, नई बातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन कम अज कम RSPs जो हैं उन्होंने जो अख्तर हमीद खान से सीखा, जो शुएब सुल्तान से सीखा, उसको राशिद बाजवा, नादर गुल, शंगाना खान और KP में हमारे दोस्त, और आज़ाद कश्मीर में, हुंजा में, सब जगह वो पैगाम और उनका पैगाम अमल बन के आगे चल रहा है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और SDPI का सबसे ज्यादा शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। थैंक यू। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब।
थैंक यू डॉक्टर मोहसिन, पैनलिस्ट सबको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पैनलिस्ट का, और हमारे इसी तरह पैरल सेशंस जो हैं चल रहे हैं, इवन कॉन्फ्रेंस जो 17 दिसंबर तक है, तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स से और इवन पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यकीनन बाकी जो पैनल हैं उनको भी ज्वाइन करें, और बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होगी उसमें, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन ऑल ऑफ द पैनल्स, थैंक यू थैंक यू।